ये मेरे पिताजी थे, अंग्रेजों के जमाने के इकलौते इंडियन जेलर थे, एकदम कड़क। जय वीरू भी इनकी जेल से भाग नहीं पाए। लास्ट बर्ड बची थी मो। यही तो मैं भी कह रही हूँ, ये भी लास्ट बर्ड है मुन्ना। अगर ये उड़ गई ना तो कुंडली के हिसाब से अगले 3 साल तक मुन्नी नहीं मिलेगी। प्रोग्राम शुरू करवाओ। टेक टेक। ये सब क्या है? इस जमाने में कोई अरेंज मैरिज करता है क्या? पहले मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, लव शव करेंगे, फिर। बेटा तू 2 साल से टेस्टिंग ही कर रहा है। कॉलेज में जिसे तूने पटाया था वो तुझे डिच्चू देकर फरार हो गई। मुझे ये लड़की सुरीली लग रही है। गाना खत्म होते ही तेरी सुर मिला दूंगी। ओके, लड़के को अकेले में मिलना है। देखिए मुझे रिश्ते के लिए लड़के लड़की का अकेले मिलना जरूरी नहीं। अगर मैंने अप्रूवल दे दिया तो इसकी तरफ से भी ओके है ना मुन्ना? बिल्कुल भी ओके नहीं, मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। कुछ कहो ना, कहते क्यों नहीं? तुम अच्छे दिखते हो। थैंक यू। कितने क्यूट हो, खरगोश की तरह शर्मीले हो। सब यही कहते हैं। तुमने मेरे घर में बड़ों से लेकर बच्चों तक सबका दिल भी जीत लिया, इसीलिए मुझे भी कुछ कहना है। कैसे कहूँ भैया? भैया मेरा पहले से एक चक्कर है। मेरे बाप के बाप तिहाड़ जेल में जेलर थे। उन्होंने टपकने से पहले मेरे बाप से वचन लिया था कि मेरी शादी एक पुलिस वाले से ही हो और मेरे बच्चे कांस्टेबल बने। और मेरे पागल बापू उसी वचन को पूरा कर रहे हैं। तुम नीचे जाके कह दो ना कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ प्यारे भैया। ये किसकी है? मेरे बापू की। मैं ले लूँ बहना? झुनझुनवाला ने कहा था इस हफ्ते तेरी शादी हो जाएगी, मुझसे 2 लाख फीस भी ले गया। अब जीते जी अपनी बहू को टॉर्चर नहीं कर पाऊंगी। मॉम कोई हीरोइन जैसी लड़की ढूंढो ना। ए, मुझसे उम्मीद मत रखना, खुद ही लड़की ढूंढना। ठीक है। हे प्रभु, हे ईश्वर, हमेशा गर्दी रखना। मक्खी चूस मारवाड़ी सेठ से लोन लिया है और ये बाकड़ा लगाया। अगर धंधा नहीं हुआ तो खाखरा भी नहीं खा पाऊंगा और आपसे नाराज होके मुंह फुला के बैठ जाऊंगा, वो भी यहाँ नहीं आपकी दान पेटी के बाहर। मारी वार्निंग छे। ठीक है, नारियल ले लो, मलाई ने पानी वाला। जय हो, नारियल तो ताजा है ना। हाँ। आज मैं 3 नारियल फोड़ूंगा क्योंकि आज मेरी मन्नत पूरी हुई है। अरे हंस के रहा है, नारियल दे। हाँ। मैं ही ले लेता हूँ। बिना पैसे दिए मेरे नारियल फोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? पैसा निकाल। अरे भगवान के काम में कोई पैसा लगाए क्या? लेकिन मैं तो पैसा देकर लाया हूँ ना। हाँ तो पैसे क्यों दिया, लोन ले लेता। जॉक मारेगा मैं तो नारियल फोड़ दूंगा, इधर उधर नहीं मार देते। आया बड़ा भग कहीं का। क्या आंखें? उसके भक्त को नाराज किया तो स्वामी भी नाराज हुआ, पैसे मांगेगा तो पाप लगेगा। तो गंडो छे, फ्री में नारियल ये फोड़ के गया और पाप मुझे लगेगा? लगता है आज धंधे में बोनी नहीं होनी। जय हो स्वामी की। स्वामी की जय हो। शकल से पवित्र लग रहे हो, 5 मिनट पहले आना चाहिए था ना। नारियल कैसे दिया? एकदम सस्ता, 25 नु 1। 4 रुपए दूंगा। इतने कम में बेचूंगा तो आपकी तरह मुझे भी टकला करवाना पड़ेगा ना। ठीक है, 20 दे दो। 5 दूंगा। अच्छा 15 दे दो। 6 दूंगा। 10 में मफत डिलीवरी। महंगा है, 6 ही दूंगा। अबे टकलू, भाव इतने धीरे धीरे बढ़ा रहा है जैसे तेरे सर के बाल हो। अपने बदन पे इतना चंदन चिपका के घूम रहा है जैसे चंदन के साबुन की फैक्ट्री खोली हो। चंदन के पैसे नहीं दिए क्या? ठीक है, ना तुम्हारा और ना ही मेरा। वाह सुन, वाह छे। 6 रुपए। अब तेरी साथ पूछते तकलीफ पैदा हो। क्यों रे टकलू, बाल के साथ दिमाग भी गायब हो गया क्या?
नारियल को बम की तरह पकड़ा है। ए नीचे रख। रुक रुक रुक, नारियल कहाँ लेके जा रहा है? इस नारियल पर मेरा नाम लिखा है। कहाँ लिखा है? दुनिया के सब गांडा भाई मेरी दुकान में आ रहे हैं। तोड़ दूंगा खोपड़ी के साथ नारियल। मैं शक्ल से उल्लू दिखता हूँ क्या? अब दिखाता हूँ उल्लू क्या कर सकता है। ये तुझे गाड़ दूंगा। ये क्या यार, ये नीचे वाले आदमी को चीखना चाहिए पर ये ऊपर वाला क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि आजकल पूरा सिस्टम उल्टा है। क्या क्या नीचे से चुपा रहा है, दर्द हो रहा है। मम्मी मरी गया, चल आज तुझे माफ किया। हाय, बड़ी मुश्किल से मोटे को गिराया था लेकिन दर्द मुझे हुआ। ये था दर्द का राज, इस छुरी से छेद कर रहा था। अच्छा हुआ तेरे पास बड़ी तलवार नहीं है क्योंकि इससे तूने इतने छेद किए कि मैं सांस कहाँ से लूँ। और खैर जाने दे, छेद छेद पे लिखा है छेद करने वाले का नाम। क्या यार, यही अपनी दोस्ती, यही अपना प्यार, मेरे दो तेरे चार, ये तो है इमोशनल अत्याचार। अब तो जा यार, जाने जा, जा भाई। अगर आज के बाद नारियल बेचता नजर आया तो ट्यूब की तरह पंचर कर दूंगा। पंचर? अब तो ट्यूब ही बदलवानी पड़ेगी। जाना यार, जा पूजा कर, जाना यार, जाना। ए माँ, बवासीर हो जाएगा, साफ पाइल्स क्लिनिक जाऊ पड़ से। डॉक्टर जाओ। अंकल क्या बताऊं बेटा, बदमाश हमारा पीछा कर रहे थे, अचानक उन्होंने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया और उसी चक्कर में कार से उनकी बाइक का इंडिकेटर टूट गया। बताओ इतनी सी बात के लिए मुझसे 50,000 रुपए मांगने लग गए और मैंने मना किया तो ये देखो मेरे कार के टायर की हवा ही निकाल दी। भाई ये उन लोगों का रोज का नाटक है, सीधे साधे ड्राइवर को टारगेट करते हैं, अपनी गाड़ी से बाइक को ठोकते हैं, फिर रकम की डिमांड करते हैं। आज अंकल का नंबर था। पर सर ने बोला था आपके साथ एक लड़की भी थी। हाँ वो लड़की तो उन्हें बहुत बुरा बुरा कह रही थी, इसीलिए गुस्से में आके वो उसे पकड़ के सामने चाय की दुकान पे ले गए। भाई लोग, गांव से शादी में आई हुई लड़की अंदर है क्या? चलो जल्दी बाहर आओ। अरे आओ ना। ए, बोला ना, बैठ जा। अरे बोला ना, चलो मेरे साथ। ए, अरे इसे भौंकने तो कुछ नहीं करेगा, चलो तुम। कुत्ता बोला, कौन है बे कुत्ता? अरे भाई नहीं नहीं, स्लीव्स ऊपर चढ़ेगी तो दिल की धड़कन बढ़ेगी, बटन लगा लो भाई। डर गया क्या? डेढ़ पसली तो है। ए डर नहीं, इज्जत बोल। एक मैच हो जाए। अरे क्या बताओ भाई, मैंने रिटायरमेंट लिया, अब गांव जाऊंगा और खेती बाड़ी करूंगा भाई। बहन आप खड़ी क्यों है? जाइए ना, जाइए ना प्लीज। अरे चला था भाई, ये लुखे से इतना क्यों डर रहे हो? ये तो थकेला पीस है। तू सड़ेला पीस है। ऐसा क्या? इससे जो भी पंगा लेगा हो जाएगा नंगा। बैठो ना। तुम चले जाओ, मुझे हॉल पता है। भाई आप अब तक गए नहीं? अरे नहीं नहीं, टेंशन नहीं भाई, अपन टायर में खुद हवा भर के गाड़ी पहुंचा देगा। आप जाइए ना भाभी को लेके। वंस मोर प्लीज। अपन बोला आप जाइए ना भाभी को लेके। तुम जाओ, मैं आ जाऊंगी। ये एरिया बहुत डेंजर है, मेरी बात मानो, भैया के साथ जाओ, सेफ रहोगी। तुम लोग भी बोलो ना। भाभी भैया के साथ बाइक पे जाओ। वंस मोर। भाभी भैया के साथ बाइक पे जाओ। पता नहीं सुबह किसका मुंह देख लिया था। झिंगाट खड़ी करता हूँ सबकी खाट। वॉइस 1 2 3। अपने गांव के मौसम का तो हाल बताओ। एकदम भड़कीला, गर्मी महसूस हो रही है। हेलो, वो लुच्चा मुझे भाभी कह रहा था और तुमने उसे मना तक नहीं किया। क्योंकि मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। तुम्हारा तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है।
हॉल पहुंचने में कितनी देर लगेगी? बिना ब्रेक मारे 20 मिनट, ब्रेक मार मार के 40 मिनट। 10 मिनट में नहीं पहुंच सकते? ज्यादा फास्ट चलाऊंगा तो तुम्हारा ब्यूटी पार्लर का खर्चा वेस्ट हो जाएगा, फिर सेल्फी कैसे लोगी? तो फिर शॉर्टकट से चलो ना। मैं लाइफ में शॉर्टकट लेके आगे बढ़ने में यकीन नहीं रखता, लंबा रास्ता पकड़ के मेहनत करना चाहता हूँ। बाप का भाई का बहन का सबका चालान कटेगा मैं आज। बहनी तेरे से ही करूंगा बेटा। बेटा इस महीने का पीने का खर्चा तेरे से ही निकलेगा। आजा। हेलमेट क्यों नहीं पहना तुमने? कुदरती हेलमेट पहना ना। लाइसेंस लाइसेंस आरटीओ में निकाला था। अरे तू इधर भी निकाल। एक चांस गया। पेपर सुबह पढ़ के आया हूँ। तो मैं क्या अनपढ़ हूँ? ला दिखा। दूसरा चांस भी क्या? इंश्योरेंस। क्या हुआ, कोई पंचलाइन नहीं बची क्या? चल दिखा दिखा। लग गया जैकपॉट। इंश्योरेंस का तो जनाजा निकल गया। रिन्यू क्यों नहीं कराया? नहीं कराया। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कराया? नहीं करा सकता ना। तू नहीं कराएगा तो मैं कराऊंगा। तुमको ही कराना है। मेरे को? ये तुम्हारे बाइक का इंश्योरेंस पेपर है, रिन्यू करा लो, वरना कोई और सिग्नल पर कोई और पुलिस वाला तुमसे ही रिश्वत मांग लेगा। अभी ये तो इसका नहीं, मेरा जनाजा निकला हुआ है। अरे ये तो रद्दी है रद्दी। 6 महीने पहले इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया, अब तक रिन्यू नहीं करवाया। मैं पुलिस वाला हूँ, रूल तोड़ूंगा तो तोड़ेगा, पर तू पब्लिक है, रूल तोड़ेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा। हे, उधर क्या देख रहा है? 5,000 निकाल, मेरा कट। कट? अरे मैं तुझे अपना कट बता रहा हूँ, तू उधर किसे अपना कट बता रहा है? वो वाला अलग सा कट है। उधर बैल्कनी से एक फ्रेंड ने तुम्हारी रिश्वत की डिमांड की पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है, कैमरे से सब शूट कर लिया है, अब तेरा ये वीडियो हो जाएगा वायरल। अबे इसने तो पुलिस वाले का ही MMS बना डाला। मेरे छोटे छोटे बच्चे, उनका इकलौता बाप हूँ मैं, उनके मुंह से उनका निवाला मत छीन। अगर WhatsApp पे डाला, पूरी इंडिया को दिखाया तो मेरा क्या होगा? मुझे टकला समझ के माफ कर दे यार। जा टकले, तू भी क्या याद करे। लेकिन उससे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर उससे माफी नहीं मांगी तो वो तेरा वीडियो वायरल कर देगी। किसको सॉरी बोलूं? बालकनी में जो लड़का खड़ा है उसको। इसको लड़का कहाँ दिख रहा है? तगड़ा है, लगता रोज जिम जाता है। टकले की नजरें खराब है, छाती पे भी बहुत काम किया है। सही जा रहा है, बहुत सही जा रहा है बे टकलू। बॉडी बोले तो एकदम कड़क, छाती बाहर, लगता है पैदा होते ही पट्टा जिम गया होगा। ये ले अपने पेपर और मुझे करो माफ। भाभी को ले जाओ, वो है उदास। भाभी शादी सुहागरात। संभल के जाओ भाई, पहले उसे माफी मांग। तुम भाभी को लेके जाओ, मैं उस लड़के से माफी मांग लूंगा। भाभी मतलब मेरी भी। बाय बाय भाभी। धूप में दिमाग भी जल गया है। ब्लू शर्ट वाले भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारे अंकल जैसा हूँ, माफ कर दो। सुनिए जी, बाहर आइए, पुलिस वाले गंदे गंदे इशारे कर रहे हैं। माफ कर दो, बोला ना सॉरी, माफ कर दे भाई। बेशर्म मेरी वाइफ को छेड़ रहा है, जरा अपना फोन देना तो। मेरा ख्याल करो, ये शूट करके व्हाट्सएप पे पूरे इंडिया में फैला देता हूँ, इसकी तो नौकरी जानी चाहिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। वो ट्रैफिक पुलिस भी मुझे भाभी कह रहा था, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे भी तो भाई कहा था ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि मेले में पिछड़ा हुआ भाई है मेरा। देखा कितनी जल्दी हॉल में ले आया। अब इप, 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 सुनो टकले की भाभी। ये क्या, तुमने भी मुझे भाभी कहा? अब जब नाम नहीं पता तो कुछ तो कहके बुलाऊंगा। वैसे भी लगता है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें थैंक्स कहना नहीं सिखाया है। पता है क्या, मैं थैंक्स जरूर कहती अगर तुम सबको भाभी कहने से मना करते तो। ओहो, ए गुंडे ने हमें जोड़ी नंबर 1 समझा, इसलिए तुम्हें जोश में भाभी बोल दिया। ए कुजड़े चमन पुलिस वाले को लगा कि हम मेड फॉर ईच अदर है तो उसने भी भाभी कह दिया। अब तक जो हुआ और जो लोगों ने कहा उससे तो यही लगता है कि पब्लिक की डिमांड है जो हमें 2-in-1 नहीं 1 समझते हैं। मैं तेरा तुम मेरी मैं तेरा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, उस गुंडे को क्या अकल की वो जोड़ी पहचाने, और उस पुलिस वाले को तो रिश्वत लेने से फुर्सत ही नहीं है। बड़े आए भाभी के देवर। भाभी? अरे अरे क्या, मैंने नहीं बोला यार, कोई अपनी भाभी को बुला रहा, मैं क्या करूं?
मेरी खेत तो एंट्री हो गई है। जितना ट्रेन का भाड़ा यहाँ तक आने का नहीं लगा उससे ज्यादा रिक्शा का लग चुका है। यही है क्या? यही है वो शाना का घर। शाना नहीं भूमि जी, बोल मुंह संभाल के बात कर। अगर कोई उसकी बेइज्जती करेगा तो मैं उसकी मूंछ नोच लूंगा। ब्लैडी रास्ता। ये घर नहीं मंदिर है, स्वर्ग लोक जैसा नहीं, स्वर्ग से भी सुंदर है। जय हो। बापू लगता है तुम्हारा कोई बिछड़ा हुआ दोस्त आया है। प्रभु आपके दर्शन हो गए। मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड बनना चाहता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल जेम्स बॉन्ड तो आप हैं। अबे कुत्ते को दूर रख। नहीं मैं हूँ, मुझे बता देना कि मैं तुझसे भी वफादार हूँ। चलो मिलकर इन्हें इंटरनेशनल लैंग्वेज में समझाते हैं। अरे शोर कैसा, कौन ऐसे कुत्ते की तरह भौंक रहा है? मेरी इतनी तारीफ। तेरे को बुलाना खड़ा हो गया। अपुन का असिस्टेंट बनने के लिए तू आया है? ठीक समझा आपने बॉस, मैं आपके लिए घोड़ा कुत्ता बैल सब कुछ बनके दिखाऊंगा ताकि आपको किसी असिस्टेंट की जरूरत ना पड़े। आई विल बी इंडियन बॉर्न और सबके हक्के बक्के और छक्के छुड़ा दूंगा। अब खड़ा क्या है, भगा इसे। भगा वरना मैं भगा ना। ये साला उल्लू का पट्टा अपने गले की घंटी बन जाएगा। चल 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 निकल। अरे बॉस इनके सामने तो मेरी इज्जत मत उतारो। चलो बाहर चलते। शायद बॉस आपने मेरे टैलेंट को नहीं पहचाना। मैंने इस कुत्ते कोई खास ट्रेनिंग दी है। पूरे 3 साल में मैंने इसे बॉल पकड़ना सिखाया है। ऐसा बॉल कोई नहीं पकड़ सकता। ये देखिए ना मुंह ना हाजिर है। ले कुत्ते पकड़। वाओ 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 एंड ही हैज कॉट द बॉल। वेरी गुड शाबाश। देखा बॉस, ऐसा बॉल लाने की ट्रेनिंग कोई भी कुत्ते को कोई भी माई कलाल कुत्ता नहीं दे सकता। बॉल लाने की ट्रेनिंग में तूने 3 साल गवा दिए, इससे तो अच्छा तो खुद कुत्ता बन जाता। अरे ये तलवार का क्यों निकाल? इससे पहले मैं जहाँ काम करता था उसकी मुझसे भी बड़ी थी। उसी ने इसी तलवार से काट के उसे छोटी कर दी। मेरे पहले बॉस बिल लाने में मुझे पकड़ी थी और उन्होंने ही मेरे काम से खुश होकर मुझे ये लड्डू भी दिया। ये क्या है? बम। इसको एक झटके में खोलोगे और ये बम का गोला फटके सबका डब्बा गोल कर देगा। अच्छा इसको निकालो। क्या कर दिया? अरे मैं अभी तो फेंक देना, अपन फटेंगे। क्या ढूंढ रहे हो? ए बेताल, किसे चालाकी कर रहे हो? राजा के साथ। तीर छोड़ो। अब दूसरा तीर छोड़ो। अब मैं अपना निशाना दिखाता हूं। चक्रवर्ती राजा को तो मौका दो। बाप रे, तीर लगा क्या? मैंने जानबूझ कर ही बाजू में दिया। ताली बजाओ। देखो बेहोश हो। तुरंत पहुंचना है। मुक्ति मुक्ति। अब और इंतजार मत करो, हम पौने लोगों की दुनिया को खत्म करने आए इन बेतालों को और बोलने वाले पक्षी को जहरीले कीड़ों से कटवाकर मार डालने का हुक्म देता हूँ। पापा रुक जाइए।
उस बेताल की आंखों को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो बुरा आदमी है। उनसे पूछताछ करने के बाद सजा दे सकते हैं ना? घुमाना बंद करो, उन बेतालों का सिर्फ मुंह खोलो। बोलो के राजा जी, हम वेताल नहीं है, वेताल के भेष में हम तीनों साधारण मनुष्य हैं। हम वाग्य नगर से आ रहे हैं और मेरी सपनों की रानी पवन मल्ली को वेताल उठा के ले गए हैं। ये कैसा अन्याय है? बस उसे बचाने और अपने गांव की मिट्टी और अपने गांव को बचाने के लिए हम उस वेताल किले को ढूंढने जा रहे हैं। ये बात है। सिपाही, उसके दांत निकाल कर देखो। अच्छा हुआ बेचारों को हमने मारा नहीं। पहले इन तीनों के बंधन खोल दो। शाबाश बेटी, शरीर के मुताबिक ही दिमाग है। कीड़े मकोड़े जैसे हैं और क्या नाच नचा रहे हैं। मैं हूँ बौने लोगों का राजा कॉर्के न्यूटन, और ये है मेरी बीवी फ्लेमिंग सुंदरी, और ये मेरी इकलौती बेटी आइंस्टीन कामाक्षी। बेताल लोग हम बौनों के भी दुश्मन हैं। जब वो सोमरस पीते हैं तो हमें लकड़ियों से चुभो चुभो कर मजे लेकर खाते हैं। राक्षस है वो लोग, हमारी जनसंख्या कम होने का कारण वही लोग हैं। ठीक है, हाँ बोलिए दोस्तों, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? वेताल किले में जाने के लिए रास्ता जानना चाहता हूँ। वो नाम क्या है उनका? मच्छकोटे नहीं, मच्छकूड़न। हाँ वही मच्छकूड़न से पहले मिलना होगा। हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं? वो भविष्य बताते हैं। किले के अंदर जाकर बाहर आने का रास्ता उनको छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल, वही चाहते हैं। उनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। हाँ एक काम करता हूँ, हमारे उड़ने वाले दलपति अल्बर्ट को और काट खाने वाले दलपति पीटर को आपके साथ भेजता हूँ। जी आपका शुक्रिया राजा जी। पापा मैं लड़की हूँ इसलिए आपने मुझे युद्ध में हिस्सा नहीं लेने दिया, लेकिन इन वीरों के साथ मैं युद्ध में जाऊँगी। कृपा करके मुझे अनुमति दीजिए पापा। मेरी बेटी कामाक्षी भी तुम लोगों के साथ जाएगी। हाँ धन्यवाद जी। अल्फा बीटा कामा, जंग जीत कर ही वापस आना। आ गया महाराज। यही है उस बुजुर्ग मच्छकुडन का घर। सरकार, सरकार, सरकार। अरे ये क्या, ये घर हिल क्यों रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। प्रणाम जी। सरकार मैं कोटकर न्यूटन की बेटी कामा हूँ, इनका नाम मगधीरा है, ये मुसीबत में है, आप अगर मदद। मगधीरा सिर्फ तुम मेरे पास आ जाओ। लिखो, जल्दी लिखो। यमन बिस्तर पर किला हमारा, किला हमारा, डराने पर पेशाब करो। मतलब पेट में गड़बड़ हुई तो लोटा देके बाहर भेजेगा क्या? सूर्य छुपेगा तो छड़ी तोड़ो। सूर्य छुपेगा छड़ी तोड़ो, सब अगर तुम सही तरीके से करोगे तो जीत की उम्मीद होगी।
होगी, जीत होगी, क्या होने वाला? बंद कर दिया है। इससे अच्छा होता कि ये कछुआ अपना मुंह ना खोलता। दोरंगी, बुद्धू ज्यादा बोलता है तो उसका अर्थ कम निकलता है, बुद्धिशाली कम बोलता है तो उसका अर्थ ज्यादा निकलता है। कम बोल सकते हैं लेकिन इस पागल जैसे, इस दुनिया में कोई पागलों जैसी बातें करता है क्या? जो देखो मन में। उसके गंगे सर पर थूक भी नहीं दिख रहा है, फिसल कर ऊपर आ रहा है। बक बक करके चुकवा लिया ना। भैया अब आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। आज तक भालू का थूकना तो सुना है पर पहली बार किसी कछुए ने आप पर थूका है, मुझे आप पर गर्व है। यार रंगीले, आज पूरे 10 दिन के बाद तू यहाँ आया। वो क्या है कि समंदर के पानी में मैं काला हो जाता हूँ ना, इसलिए कोई और नौकरी ढूंढ रहा था। मिली कोई नौकरी? हाँ मिली थी लेकिन लात मार दी उसे। क्यों? मुझे मेहनत का काम करने को बोल रहे थे, अगर मैं मेहनत करूंगा तो लोग क्या करेंगे। वैसे पानी से अगर तेरा इतना लोचा है तो तू नहाता कैसे? अरे और पीता क्या है और धोता कैसे? वो मीठा पानी है, ये खारा पानी है। मिले सुर मेरा तुम्हारा मत करिए। हाँ समझ गया, यानी तू फालतू यहाँ वहाँ भटकता रहता है। यहाँ वहाँ भटकता हूँ ऐसा मत बोल, दुनिया घूम रहा हूँ ऐसा बोलना। ये कौन आई? उंगली क्यों कर रहा है यार? ये जाल पकड़। जाल छोड़, जाल बिछाने की सोच। लगता है जैसे पानी से बाहर जलपरी आ गई। जलपरी की पूंछ होती है, पैर नहीं होते। अच्छा ऐसा क्या? ये क्या, मेकअप का पूरा सामान है, जरूर ये कोई हीरोइन है। हाँ सही कह रहा है। मैंने सही बोला, इसका नाम क्या है? तमन्ना। मैं तमन्ना को रोज 12 के बाद सपने में देखता हूँ। ये रियल है। अच्छा रियल है क्या? इसका तो मैं रिमिक्स करूंगा। अरे यार मैं इसे छूंगा तो ये मैली हो जाएगी। फुसफुस मार रही है। अरे वाह, इतनी बदबुओं के बीच ये फुसफुस वाली खुशबू मेरे नाक में पकड़ा पकड़ी खेल रही है। पकड़ ले वरना नाक भाग जाएगी। मेरी नाक है छछुंदर थोड़ी है जो भाग जाएगी। नाक के चक्कर में कहीं तू हमारे कोली समाज की नाक ना कटा बैठे, सैंडल पड़ते ही नाक टूट जाएगी। आहा, मुझे देखकर हंसी मतलब फंसी। उतरी ए सुरा, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। हमारी नहीं तेरी तरफ आ रही है, ध्यान से देख। मेरी तरफ? मेरी तरफ क्यों आ रही है? वो क्या है रंगीला, कुछ गोरी लड़कियों को सिर्फ काले कलूटे बैंगन लूटे ही बहुत पसंद आते हैं। मेरा कलर बैंगन से भी काला है। मेरी निकल पड़ी। ए सुरा, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, अगर ये लड़की आकर मुझे आई लव यू बोली ना तो दिल पर मत लेना, मुंह से कुछ मत बोलना और दोस्ती की कसम देवदास मत बनना। गंदा, इससे कौन लड़की शादी करेगी? आ रही है, आजा, आई। ये क्या, गाड़ी सीधी आ रही थी, लेफ्ट में क्यों चली गई? मैं राइट नहीं लगा क्या? हमारी जोड़ी अच्छी बन सकती थी, मैं भी टॉल डार्क हैंडसम हूँ। ओ स्विमिंग पूल देवता, ओ जल देवता, आई एम कमिंग। सुरा, वो मुझे खुशी देने के बजाय खुदकुशी करने जा रही है। प्यार भी तो खुदकुशी है। अरे यार डायलॉग बोलना छोड़, जाकर उसको बचा यार, वो मेरी होने वाली पत्नी है, मेरे 10-12 बच्चों के बारे में सोच। फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। मैं भी बोल रहा हूँ, तेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास भी टाइम नहीं है, जाकर उसको बचा। जा तुझे 5 रुपए वाली आइसक्रीम खिलाऊंगा, जा 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 जा, छुए बगैर बचा जा। ए लड़की क्या कर रही है, रुक जा। मुझे छोड़ दो, मैं माइकल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ओ प्यार की मारी दुनिया पे भारी। ये बचाने गया या डुबकी लगाने? ओह अच्छा हुआ बच गई। उठो। हेलो ए लड़की, क्या है? उठा लिया, मेरी लाइफ सेट है। अरे कहाँ फंसा दिया,
मम्मी मरी क्यों? तू क्या लंगर में खाना खाने बैठा है? अरे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ। ये कौन बोला? आए बोला। एम्बुलेंस की जरूरत लड़कों को, लड़कियों को सिर्फ फर्स्ट एड की जरूरत होती ना यार। फर्स्ट एड मतलब? वो कैसे देते? सुनो जी, पानी में घुसने की वजह से इनके अंदर पानी भर गया ना, इसलिए आप इनके ऊपर दुबुक के बैठ जाओ और दबा के पानी निकालो जी। इतना दबाने से तो पेट बॉडी से बाहर निकल जाएगा, उसके बाद बता। दबाने के बाद पानी बाहर, उसके बाद मुंह से मुंह लगा के हवा भरना जी। जी मुझे तो बहुत शर्म आती है। शर्म औरत का गहना मर्दों का नहीं। चलो दबाओ जी, दबाओ। पक्का दबाओ ना? आप पक्का दबाओ जी। ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो दबा देता हूँ। ये तो दबा रहा है। एक मिनट, रुकावट के लिए दे। क्या है बे? दिल से निकली गूंज कर आवाज। दोस्त है तो मेरा, मदद कर दे मेरी आज। वाह ताज, समझ गया ना? ठीक है, तू पेट के राइट हिस्से पर दबा, मैं लेफ्ट हिस्से पर दबाता हूँ। ठीक है, थैंक यू। क्या कर रहे थे तुम दोनों? हम तो तुम्हारे पेट से समुंदर का खारा पानी निकाल रहे थे। पानी निकाल रहे थे? ये पेट है कि कुआं? कुआं नहीं, टंकी है। ले जाओ जी, फर्स्ट एड का दबाना बाकी है। अभी तेरा दबा दूंगा। आइए, जब तेरे सामने तो ये होश में आ गई है ना, अब फर्स्ट एड का अचार डालूं? बदमाश कहीं का। ए, मुझे मरने क्यों नहीं दिया? तेरी बात सुन के मैंने इसे बचाया और अब ये मेरी इज्जत का कचरा कर रही है। ए मिस्टर, मुझसे बात करो। सब तेरी वजह से हो रहा है। और तुम सुनो, कुछ और कहा ना तो मैं तुम्हें उठा के फिर से पानी में फेंक दूंगा। हटो हटो, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? कोई मेला है क्या? ये विलन कौन है? इसका नाम है पता नहीं। पूर्णिमा, तूने ऐसा क्यों किया बेटा? तेरा माइकल लौट आया है। मेरा माइकल लौट आया? तो ये है माइकल, साला हैंडसम है। मान गए, ऐसे लड़के के लिए तो खुदकुशी करना बनता है। मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे तुम? पता है मैं कितनी परेशान थी? हाँ, बाप और कुत्ते की शक्ल एक जैसी है। ए, लड़की के बापू, अगर लड़की को कुत्ते अच्छे लगते हैं तो अच्छा कुत्ता ढूंढकर शादी करवा दो ना। चुप कर। सर, सर, वैसे ये माइकल कौन है? उसके हाथ में जो कुत्ता है ना, वो है माइकल। और ये जो लड़का खड़ा है वो तो उसका कजन है, टॉमी। देख लिया ना सरा, यहाँ पे कुत्ता बन गया इंसान और इंसान बन गया कुत्ता। क्या फैमिली है? गलत फैमिली है। ठीक है, मैं भी कर चुका। थैंक्स, मैं माइकल के लिए अपनी जान देने वाली थी, तुमने मुझे बचा के मेरे माइकल से मिलाया। चलती हूँ। हेलो हेलो, बाकी सब तो समझे, लेकिन खुदकुशी करने से पहले तुमने मेकअप क्यों किया, ये बात मेरी खोपड़ी की झोपड़ी में नहीं गुजरी। मेरे मरने की खबर ब्रेकिंग न्यूज बनती और फिर प्रेस वाले आते और फिर मेरी फोटोज फेसबुक पर जाती। मेकअप नहीं होता तो मुझे लाइक्स नहीं मिलते ना, इसीलिए मेकअप किया। बाय, सी यू। हाथ आया पर मुंह ना लगा। नहीं नहीं नहीं, मार मत। हाय 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 हाय, उसे देखकर जलन हो रही है। डिप्टी कमिश्नर मिस्टर शक्ति ने शहर से अपराधियों को कम करके एक बड़ा काम किया है। उनके दादा ने भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए शहादत दी थी। मिसेस शक्ति एक बहुत ही बहादुर परिवार से बिलोंग करते हैं। भाई के दादाजी तो बहुत फेमस हो गए, जिनकी वीरता की बात सुन के तुमने खून बहाया। वीरता का इनाम मिला है तुम्हें। हमारा इस साल का द बेस्ट कैडर अवार्ड गोज टू मिस ऐश्वर्या। सर, दो शब्द आप भी कहिए ना। मेरी जबान कम और हाथ ज्यादा चलते हैं। बहाना बनाना कोई इससे सीखे। एटलीस्ट स्टूडेंट्स को कुछ सेफ्टी टेक्निक सिखा दीजिए। कोई एक वॉलंटियर आ गया हो? वेट, गर्ल, गो बैक। तुम आ जाओ। सर, फर्ज करो कि तुम्हारे पास एक बैग है।
बैग और बैग ही इसे अच्छी लगती है। इधर आ। हाँ तू इधर आ। जहाँ लोचा होता है तुझे मेरी याद आती है। मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। मेरा हाथ टाइट पकड़ लो। कस के पकड़ा है। देखो मेरा हाथ कैसा पकड़ा है। तुम्हें ऐसे करना है। राइट हैंड एंड द राइट लेग एट द सेम टाइम। और इस तरह सिंपल। आ जाओ आ जाओ। यस सर। मेरा हाथ पकड़ लो। कस के पकड़ो। हाँ इस तरह। ये सिखा रहा है कि चांस मार रहा है। और कोई वॉलंटियर? सर सर मुझे कोई खतरा हुआ तो? सुनिए बहन जी, तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी वजह से जरूर होगा। दिन ही खराब है। ओके, सोचो कोई मुजरिम तुम पर चाकू से अटैक करता है। ओए मां, मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तुम मुझ पर अटैक करो जैसे चाकू हाथ में। इस तरह ब्लॉक करो और धक्का देके नाक तोड़ दो। वो दोबारा तुम पे हमला करे उससे पहले फिर से उसकी नाक तोड़ दो। देखा, नाक का पकौड़ा बना दिया। बाप कमाल है। अपने आप को बचाने का एक और आसान तरीका है। मुझे एक लकड़ी चाहिए होगी। कहाँ है लकड़ी? हाँ, इस तरह की एक लकड़ी पकड़ो और ऐसे सर पे मारो। ये भाई शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। ये क्या कर रहा है? ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। मारो मारो। बढ़िया अटैक। तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल की है। यार तू पीछे से हमला करता था, अब तू आगे से हमला करवा रहा है। अब मैं आप लोगों को एक आखिरी चीज सिखाऊंगा। इसके लिए मुझे ट्रेंड लोगों की मदद चाहिए और इसके लिए मुझे एक मजबूत लेडी की भी जरूरत पड़ेगी। मैडम प्लीज यहाँ आइए। पहले बैठो फिर लेट जाओ। भाई का रोमांस करने का नया आसन है। इस पोजीशन में अंदर जाकर क्रॉल करके बाहर निकलना है। इट्स आर्मी ट्रेनिंग। अगर ये रोज किया तो सर्दी हो जाएगी, आप मर जाएंगे। आपके हाथ और पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे। हाँ तो मैडम अब ये करके दिखाने वाली हैं आपको। तालियां। क्लैप क्लैप, टाइम खत्म हुआ। अब आप लोग जाइए, मैडम जाएंगी नहाने के लिए। तुमने खबर छे, मैं दिन रात इस घर की पहरेदारी करता हूँ। रात को छत पे मैम साहब डराती हैं और दिन में साहब डराते हैं मुझको। मुझे तो लगता है मैं यहाँ से सीधा स्वर्ग पहुँच जाऊंगा। अब मैं यहाँ से अपना माल लेके रफू चक्कर होना चाहता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट लेटर है। पोस्ट वो मना गई। किसको लेटर भेज रहा है? दोसी माँ, मेरे जैसा चिंदी चोर एक महल जैसे घर में आ गया है। अब जैसी रसोई रानी के दर्शन कर लिए है। अबे बच्चू छू, इसलिए मैं भगवान को इतना बड़ा थैंक यू बोल रहा था। वाह 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 वाह, तुम्हारा दिल तो एकदम खरे डायमंड जैसा है। फिर ये चोरी जैसा गंदा काम क्यों करता है? सोने की चमक देख के अंधा हो जाता हूँ। कुछ नहीं, आपको जानना है मैं चोर कैसे बना? आप बोलो, मैं बोलकर बताऊँ या एक्शन करके दिखाऊँ? कैसेट का जमाना चला गया, एक्शन कर गांडे। हाँ, मैंने भी यही सोचा। आप कितनी इंटेलिजेंट है। एक मिनट हो। व्हाई आर यू क्लोजिंग दरवाजा? डरिए मत, कोई मेरी कहानी चुरा के उसकी फिल्म ना बना दे इसलिए। ओके ओके ओके, कम कम कम। कमिंग कमिंग। आजा आजा ईमानदार, आइया सीट, अपनी स्टोरी सुनाओ। आ गया, एक सेकंड। स्टोरी ज्यादा इमोशनल है। माताजी, एक स्लम डॉग फक्कड़ फैमिली में मैं पैदा हुआ। माय गॉड। माँ और 10 भाई बहन, कमाने वाला मैं अकेला, सिंगल अर्निंग मैन। और मेरी माता 24/7 बीमार रहती। भाई बहन निकम्मे ऊपर से अनपढ़।
माँ ने कहा इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाओ। पहले मैं घर घर जाके दूध बेचता था, फिर दारू बेचने लगा, लेकिन सोडा जितना पैसा नहीं कमा पाता था। एक बार एक घर में चोरी करते समय आप जैसी एक अच्छी नेक दिल छठानी मिली, उसके बेटे ने अपने यहाँ नौकर रख दिया। क्या बात है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या कहा, कोल्ड यानी जुकाम हो गया? इतना भी नहीं जानता, मतलब दोनों कहानियाँ कितनी मिलती जुलती है ना। दो कहानी जुड़वी बहन है। उसके एक बेटे की नाक पर गुस्सा और मैडम की नाक पर सोने की नथ, सर से पांव सोने से लदी, ज्वेलरी शोरूम की मॉडल जैसी। वो माता गुस्से में डायन जैसी लगती। आर यू इनडायरेक्टली कॉलिंग मी अ डायन? होगी आपकी दुश्मन, आप तो देवी हैं। कहां वो कहां ऐसी लेडी जिसमें दया ना हो, किसी डायन से कम नहीं होती। नाउ कंटिन्यू। हाँ, एक दिन थोड़ा सा लेट पहुंचा, कुछ 10-12 घंटे, अपनी साइज से ज्यादा गालियां देने लगी। मेरा मूड ऑफ हो गया, मैं सीधा घर गया और घर जाकर मैंने दरवाजे बंद कर दिए, फिर चाकू ढूंढने लगा। मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको, हल्ला मत, यहीं रहना। फिर मैंने ऐसे चाकू उठाया, उस पर भी एक सेब लगा हुआ था। बिना खून खराबे के क्राइम शो देखने का क्या मजा हो। फिर सेब को निकाला और स्टाइल से फेंका, फिर गर्दन पे रख दिया। अगर मैं होती ना तो बुढ़िया की गर्दन काट डालती, उससे तिजोरी की चाबी मांगी। बिल्कुल करेक्ट किया हो। क्या मोटी बुद्धि की औरत, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। मुझे फील हो रहा है वो ओल्ड वुमन मैं ही हूँ। अरे कहाँ फंस गया मैं, बात को समझ, तुझसे चाबी मांग रहा हूँ। कैरेक्टर में घुस गया हो। एक शब्द बोला तो आर पार करके परमानेंटली सुला दूंगा। इतना भी नहीं पता चाबी तक ये के नीचे छुपाते। आजकल सेठ लोग चाबियां छुपाने के लिए क्रिएटिव आइडिया ढूंढते हैं। जाके उस चाबी को निकालो और अलमारी खोलो, जो भी हीरे मोती जवाहरात कैश है सब बाहर निकालो। उसके बाद ईमानदार भद्रेस 1008 बार तो बोलो। खजाना मिलेगा ना मुझको? क्या जोक मारा, खजाना मिलेगा नहीं, जो है वो भी चला जाएगा। जो कहता हूँ जल्दी करो, डेमो खत्म, चाकू रख दे। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इस चाकू को पकड़ो, मजबूरी है, एक हाथ से लॉकर नहीं खोल सकता ना। कोई खिलौना नहीं है, खेलने मत लग जाना। नहीं खेलो, मंत्र तेरे पप्पा पढ़ेंगे क्या? हाँ बोलती रहो। ईमानदार भद्रेस, ईमानदार भद्रेस, ये चाबी है ले। ठीक है, आज हाथ मौका लगा है। ईमानदार भद्रेस, ईमानदार भद्रेस, ईमानदार भद्रेस, सेवर कैश गोल्ड सब गया, मेरी फेवरेट साड़ी। अबे पिक्चर समझायू, उस दिन मैं चोरी करके जा रहा था तो उसका बेटा ऐसे ही स्टाइल में खड़ा था, लेकिन उसका बेटा ऐसा सुपर हीरो नहीं था ना, फिर मैंने उसको धक्का मारा और ये कहानी खत्म होती है। नमस्ते, आओ जो मम्मी बताओ ने, ये एक नाटक था। अबे तू 35,000 की साड़ी अंदर रख। मम्मी ने कहा कि मैं ऐसे चड्डी वाला सक्सेसफुल चोर कैसे बना, तो मैंने कहा कि मैं बोल के बताऊं कि करके, तो उन्होंने बोला करके दिखाओ ना, आजकल टीवी का जमाना है, तो टीवी पे दिखाया। शिवा, इसने मेरे थ्रोट पे चाकू रखा। ये तो मात्र एक संयोग है, वो पिक्चर में बोलते ना। मेरे को डरा रहा था, सांभा ना मम्मी, मेरे को मैंने बद्दू खबर छे। यस सर। पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है। तेरा लाइव डेमो मैं इस मोबाइल पर देख रहा था। सीसीटीवी दिखाओ मैं कैसा लगता हूँ। हे मम्मी, हे पापा, हे मर गयो, हे बचा। ऐसी हरकत अगर फिर से की ना तो गले से नीचे बुलेट उतारूंगा। तुम तो बहुत क्रिएटिव छो। मम्मी, एक केस के लिए मुझे कुछ दिन बाहर जाना होगा। इस कूनी को यहाँ छोड़ के। डोंट वरी मॉम, चाबियां इसी के हाथ में दे दो, किसी और ने भी चोरी की तो भी इसी को ठोकूंगा। अब तो ठीक है ना, अपना ख्याल रखना। वापस आने तक मेरी बीवी और माँ की सेफ्टी तेरी जिम्मेदारी है, उन्हें कुछ हुआ तो। मैं किधर फंस गया? तेरे पापा बार बार अपने लफड़े के बीच में आ रहे हैं, समझा दे उन्हें। हाय। हाय। अरे अचानक गले क्यों मिल रहा है? शॉपिंग करने आई हो क्या? और तुम? वार्निंग। वार्निंग? अरे छोड़ रहे, लिफ्ट में जाना है। चल लिफ्ट को बीच में रोकते हैं, कुछ करते हैं। इसे अच्छा आदमी समझा था, लेकिन ये भी बाकियों की तरह निकला। पोस्टर की तरह बिहेव करेगा क्या? बाप रे, ये तो मुझे ही देख रहा है। गहरी गहरी सांसें भी ले रहा है। ओ गॉड, बचा लीजिए मुझे। गॉड 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 गॉड, बचा लीजिए मुझे। बचाओ। क्या हुआ?
कुछ नहीं। ए, वायर निकाला कि नहीं? निकाल दिया। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे कोई है, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई यहाँ से बाहर निकालो मुझे, अरे बाप रे, हेल्प हेल्प। क्या हुआ? वो क्या है ना, मैं एक जवान लड़का हूँ, ऊपर से मैं अकेला हूँ। अगर आपने कुछ गलत सलत कर दिया तो इसलिए सेफ्टी के लिए मैंने। थोड़ी ओवर एक्टिंग नहीं लग रही? जिस तरह आप मेरे बारे में गलत सोचती है ना, वैसे मैं भी आपके बारे में गलत सोच सकता हूँ। आखिर अपने भी तो कुछ इज्जत है। मैं आपके बारे में गलत सोचती हूँ, ये आपको कैसे पता चला? All details, I know. सारी लड़कियाँ लड़कों के बारे में ऐसा ही सोचती हैं। मेरी श्रुति लिफ्ट में है और लिफ्ट को रोक दिया। अरे बदतमीजो, लिफ्ट चालू करो। भाई साहब आओ मेरे साथ। अरे यार लिफ्ट रुक गई है। हाँ पता है। खोल रहे हो ना? इतनी जल्दी? और एक घंटा लगेगा। नहीं, 10-15 मिनट में खोल देंगे। क्या बात कर रहा है यार, एक घंटा? अच्छा तो ठीक है, एक घंटे तक लिफ्ट बंद रहेगी। एक घंटा तो लगेगा। इतना टाइम लगेगा, मेरा तो दम ही घुट जाएगा। वो तो अच्छा ही होगा, सारी तकलीफ खत्म। सेल फोन बिल, करंट बिल, घर का रेंट, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉपिंग भी कैंसिल, आईब्रो बिल, लिपस्टिक, इन सब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो वैसे भी ज्यादा मेकअप नहीं करती, सिर्फ फेस वॉश यूज करती हूँ और थोड़ी सी लिपस्टिक। ये क्या है? जस्ट क्रीम। सिर्फ मुंह ही चला रहा है, मुंह से ही रिपेयरिंग करेगा क्या? आप किसी से प्यार करते हैं? आप? मैं जो क्वालिटी ढूंढ रही हूँ वो अब तक किसी में नहीं दिखी। कैसी क्वालिटी चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, किसी बड़ी पोस्ट पर होना चाहिए और साथ ही साथ बहुत अच्छा इंसान होना चाहिए। ये जो बोल रही है इसमें से एक भी क्वालिटी मेरे पास नहीं है। कुछ कहा? मुबारक हो, ये कह रहा था। आपको कैसी लड़की पसंद है? मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। क्यों? उसका जवाब नहीं है मेरे पास, सबका अपना अपना टेस्ट होता है। मुझे लड़की के नाम से नफरत है। क्या हुआ? पुरानी आदत है। लिफ्ट रेडी है तो चालू करो। एए, तुम लोग पहले ही मुझे बहुत मार लिए, मार नहीं खाऊंगा। तुम लिफ्ट चालू करो, वो सीधे थर्ड फ्लोर पर ही रुकनी चाहिए। यही ना? यही यही। ये क्या कर रहे थे? मुझ पे शक कर रही है? मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं जा रहा हूं। अब गुस्सा मत होइए, पता नहीं मैं ही क्यों गलत समझ बैठी। सब कुछ ओके है ना? अरे क्या ओके यार, मुझे कितना शेक हो रहा है जानता है? अब तो ओके है ना? अभी ओके है। आपको ओके है क्या? ओके ओके बोल रही है। ओके ओके। खुशबू बहुत अच्छी है। वो क्या है ना? हाँ। मेरे पास ओ। 3 फ्लेवर्स के हेयर स्प्रे हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। अरे जल्दी चालू करो। इतना डराना जरूरी था? चलो श्रुति। हाँ माँ। कटिंग। ए, तुम लोग कितने को लाए हो? 3 जन को। वेरी गुड। साल भर से इस तरह मेहनत करने के बाद ही मेरा सैलून तरक्की कर रहा है। जंगली की तरह बाल बढ़ाए हुए हो और कटवाने से भाग रहे हो। ऐसी सफाई करूंगा कि बंजर जमीन बना दूंगा। ए, स्प्रे से सब बेहोश हुए। अरे वाह, बाप रे, कितना बदसूरत इंसान है। इसकी शक्ल देखे बिना इसे टकला कर देता हूँ। बाल कटिंग का 30, टकला बनाने का 50। इसका टकला बिल्कुल तबले जैसा हो गया है। स्प्रे बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत देर तक बेहोश करके रखता है। तक दिना दिन, तक दिना दिन।
क्या हुआ? तिरुपति के लिए जो बाल बचाए थे तुमने उड़ा दिए। तिरुपति के लिए छोड़ो बाल। देखो तो हमारे यहाँ जो भी टकला होता है उसका बाल सीधे तिरुपति ही जाता है। पर कैसे? वो ऐसे। अरे वो सब तो ठीक है, पर तिरुपति में मैं क्या मुंडवाऊंगा? ओह लगता है जटा बनाने के लिए अपना बाल बढ़ा रहा था। ए, सुन छोटू, बाल बढ़ाने वाला लड्डू लाना जरा। दे दे टकले को। मुझे तो लगा बड़ा लड्डू आ गया, ये तो कितना छोटा है। वो क्या है, लड्डू को आए हुए एक हफ्ता हो गया है। जैसे बाल चिपक कर जटा हो जाता है उसी तरह ये भी चिपक कर छोटा हो गया। अरे ये क्या कर दिया मुझे? अरे वो चिल्ला क्यों रहा है? अरे मेरे सारे बाल ऐसे पसंद नहीं आया। अरे इसे पांचवा फॉर्मूला खिलाकर दे। क्या कर दिया तुम लोग? अरे ये कैसा पांचवा फॉर्मूला, ये तो सूखा हुआ फल है। वो क्या है ना, ये बाल बढ़ाने वाला पांचवा फॉर्मूला है। रास्ते में धूप ज्यादा थी तो सूख गया, पंखे की हवा में सिकुड़ गया। चुपचाप निकल लेना, 30 लोग पहले ही खा के ऊपर जा चुके हैं। नेक्स्ट शिफ्ट में जाकर आओ, जितने भी लंबे बाल वाले हैं उन्हें पकड़ कर लाओ, सबको टकला करना है। जल्दी जाओ 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 जाओ। नमस्ते। मेरी तरक्की से हर कोई चलता है, ये तो ऐसे घूरा जैसे खा ही जाएगा। मुझसे काम सीख कर आज तो मुझे ही तेवर दिखा रहा है। ए सूर्या, झाड़ू लगा रहा है कि क्या कर रहा है? सब जगह फैला रहा है। भाग मालिक, यहाँ जितनी भी सफाई करूंगा हाल यही रहेगा। और झाड़ू लगा के मैं तरक्की कैसे करूंगा? कोई पुरानी खोपड़ी दे देते तो उस्तुरा घुमा के मैं भी काम सीख लेता। पुरानी खोपड़ी? ये कोई वर्कशॉप है जहाँ ठोक पीट कर काम सीखेगा? उस्तुरा चलाना मजाक लगता है। तूने कहीं गलती की और उल्टा सीधा चला दिया ना तो गाँव वाले मेरी बारात निकाल देंगे। तो फिर बताइए मैं काम कब सीखूंगा? अच्छा वो देख, उस बलून में शेविंग क्रीम लगा हुआ है, उसे क्लीनली शेव करके बता, उसके बाद लोगों पे करना। जा जा। कैसे रहा है मरियल की तरह? जब मैंने काम सिखाने को कहा तो किसी इंसान की शेविंग करने की बजाय मुझे एक बलून देके कह रहा है उसका क्लीन शेव करो। आज मैं वो करके दिखाऊंगा। बलून भी मालिक की साजिश में मिला हुआ है। ए, तू अब तक 1903 बलून फोड़ चुका है। ये अगर इंसानों पे किया होता तो क्या होता? मर्डर होता। तू नहीं सुधरेगा, जा। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, फिर कभी नहीं आऊंगा। मालिक गेट बंद कर दिया है, काम शुरू करते हैं। इतने सारे कटिंग का स्पेशलिस्ट है ये सूर्या। जैसे कोई सिंह चना बेचता है वैसे तुम सलून की दुकान चला रहे हो। मोबाइल कटिंग है भाई, मोबाइल कटिंग। मोबाइल कटिंग? हाँ जी सर, अपना बाल कटवाने के लिए आप मुझे ढूंढते हुए आते हैं, लेकिन आज मैं खुद आया हूँ। सर ट्रैफिक में और रेलवे में भी मेरा धंधा जोरों पे चलता है, अगर ट्रेवलिंग आवर्स में आपके बाल कट जाए तो सोचिए आपका कितना टाइम बचेगा। सर फॉरन में जाकर देखिए, एक नंबर के साथ सेविंग करवाते हैं, दो नंबर के साथ बाल कटवाते हैं, तो फिर ये तरीका हम लोग क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं? ये आइडिया तो बढ़िया है। हाँ। पर क्या हम ये कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आप अपना सर बाहर निकालिए, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। ये रहा सलमान खान कटिंग, 20 रुपए निकालो साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बड़ू, दाढ़ी इतनी बढ़ा रखी है, आसपास में बैठने वाले लोगों के नाक मुंह में नहीं घुसेगा क्या? इन मूंछों के बल पे मैं गांव की पंचायत चलाता हूँ, दाढ़ी बनाना बिना मूंछों को हाथ लगाए। थैंक यू थैंक यू, तुम्हारी दाढ़ी ऐसे बनाऊंगा कि तुम सचमुच के सरपंच लगोगे। मुँह खोलो, पी जाओ पी जाओ पी जाओ। अब आस पास के पंचायत का फैसला भी तुम्हारे पास ही आएगा। सही फैसला नहीं किए तो ये मूछ भी नहीं बचेगी। पैसे दो पैसे दो पैसे दो पैसे दो। ये लो। बढ़िया है। शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग शेविंग कटिंग। सर कटिंग? नहीं नहीं। सर कटिंग शेविंग? नहीं। सर शेविंग कटिंग? कटिंग? नहीं नहीं। अंकल आपका आधा सर तो मैदान बन चुका है, बच्चे चिढ़ाएंगे बंजर जमीन आया बंजर जमीन आया, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा। तो क्या करूं? अरे बताता हूँ, इसके लिए इंडिया में एक प्रोडक्ट शुरू हुआ है, आप भूत दिख रहे हो इसे यूज करो, आप यूथ दिखोगे सर। ए, काम पूरा हो गया, चलो फाटक खोलो। ये चलो खोल दो। ये क्या फाटक तुम क्यों खोल रहे हो? अरे उसे बंद हमने किया तो खोलना भी हमें ही पड़ेगा ना। ट्रेन नहीं आने वाली? यहाँ ट्रेन शाम में आती है, जाने दो। अपना धंधा करने के लिए कितनी चीटिंग करता है ये। दिन रात काम करके खुद को साबित करके दुकान खोला हुआ मैंने। ये अचानक क्या सोच रहा है? तो काम करने के लिए नहीं, बोल बच्चन देने के लिए पैदा हुआ है। हाँ मैं बोल बच्चन के लिए ही पैदा हुआ हूँ, और तू बोल बच्चन से ही बिगड़ा है। ये याद रखना, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, लेकिन मेरे दोनों सेम हैं। ए, हमारे दुकान पर दुश्मन की बुरी नजर लगी हुई है, किसी तांत्रिक के पास जाकर एक नींबू और ताबीज लेकर आ, दुकान के चारों ओर घुमा के दुश्मन के सर पर ले जाके फोड़ दे। ओए रवि, अरे रवि अपने भोले का दिमाग खराब हो गया लगता है। क्या हुआ? तू खुद ही देख ले पता चल जाएगा। अरे मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। <यो। laughs>
अरे मेरे दोस्त भोला, ये तो कोई बड़ा जबरदस्त ड्रिंक लग रहा है। ये तुझे ड्रिंक लगती है? ये कॉकरोच मारने की दवाई है, और ये चूहे मारने की। इनको मैंने कटोरे में मिला दिया है। इनका मैं 90 का पैक बनाकर बिना पानी मिलाए पी जाऊंगा। सुबह से 4 बार बोल चुका है लेकिन बढ़ता ही नहीं। अरे अंकल, क्यों ऐसे भरी जवानी मार रहे हो? वैसे अचानक ये जहर खाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? तुझे नहीं समझ में आएगा, तूने प्यार नहीं किया ना, जानता है ना मैं शांति से प्यार करता हूँ। हाँ तो? अरे उसका बाप किसी और के साथ उसके हाथ पीले कर रहा है। ये सच है? अच्छा है ना, उसके गर्लफ्रेंड के हाथ पीले हो रहे हैं, अपने को फोकट में खाना मिलेगा ना। चलो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी में जाकर फोकट का खाना खाओगे? ये मैं पी के मर जाऊंगा, फिर मेरी मैयत का खाना खाना? मैयत में मोतीचूर के लड्डू तो होंगे ना। ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? मेरे दिल पे क्या बीत रही है तुम लोगों को पता नहीं। चुप कर, नौटंकी कर रहा है साला। कल तेरी शादी शांति से करवाऊंगा। उसका बाप शादी के लिए तेरे पैर पड़ेगा और अपने हाथ जोड़कर तुझे अपना जमाई बनाएगा। सच में? कल रात स्वागत। मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ठीक है पंडित जी। कंट्रोल। आयुष्मान भाव बेटी, हम लोग लड़की को किडनैप करेंगे तो फिर किसे? कोई दूल्हे को बुलाइए। गजब हो गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। क्या कहा? दूल्हा भाग गया? अरे नहीं नहीं, यही कहीं होगा। अरे मैंने सब जगह चेक कर लिया, वो खल्टी मार गया। जाके मंडप में लेटर दे के आए। अभी रोना धोना बंद करो। अरे देखो ये बच्चा लेटर लेकर आया। किसने दिया बेटा? वो गंजे अंकल ने दिया। ये बच्चा मरवाएगा, ले जाओ उसे। लगता है लड़का कहीं मुंह काला करके। अरे पहले चिट्ठी तो पढ़ो कि इसमें लिखा क्या है। हाँ पढ़ रहा हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे लड़के को मैंने भगाया है। पापा मम्मी को बेटे कार्तिक का प्रणाम। कितनी बार आपको समझाया कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है तब से मैं उछल रहा हूँ। मैंने अपनी पसंद का लड़का भी चुन लिया है। मुझे हमारे दो में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने सैया के साथ प्यार की नैया चलाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, वरना ये लड़की ना घर की रहती ना घाट की। अरे क्या हो रहा है मेरे साथ? सोचा था आज रात को सुहाग रात बनाऊंगा लेकिन तुम लोगों ने तो मुझे बीच का बना दिया। अरे बचाओ, बचाओ, बंद कर इसका। अब सारी नौटंकी मैं ही करूंगा या तुम भी कुछ करोगी? बंद करो और बेहोश हो जाओ जल्दी। अरे अरे इससे तो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई है जो उसे शादी करेगा? पकड़िए पकड़िए इसे। अरे है कोई दिल फेंक आशिक? है कोई लड़का जो इस अभागन लड़की से शादी करने को तैयार है? अरे काहे की शादी? जिसका दूल्हा मंडप से भाग गया हो उस लड़की से शादी करने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों कोई नहीं करेगा? मैं करूंगा शादी। मेरा मतलब है ये करेगा शादी, ये करेगा। आप इस लड़की से शादी करेंगे? लार मत टपका और अपनी नौटंकी चालू रख। मैं इसे शादी नहीं करूंगा, मैं रिजेक्टेड मां से शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? प्लीज सर, आप इतना नाराज मत होइए। तू नहीं तो बोला था एक्टिंग करना। मैं इसे हर किसी शादी नहीं करूंगा। इस फूल जैसे बच्चे पे थोड़ा तरस खाइए, आप शादी कर लीजिए ना प्लीज। अरे एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती, मुझे शादी नहीं करनी। आप लड़की वालों की तरफ से हैं या लड़के वालों के रिश्तेदार हैं? अच्छे काम के लिए रिश्ते नहीं देखते। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चाचा आपको क्या सांप सूख गया है? आपकी बेटी के लिए एक अनजान आदमी इतना दर्द ले रहा है, वो इसके पैरों तक में पड़ने को तैयार है। आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए चलिए इसके पैरों में पड़िए। अरे बेटे मेरी बेटी से शादी कर लो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करने वाला। अरे ये लुक्का शादी नहीं करना चाहता तो छोड़ दो ना, अपुन मनाता है ना शादी। अरे दूल्हा में क्या? अरे उस खली को संभालो, आप शादी करोगे ना जल्दी बताओ। कहां ले जा रहे हो? चलो हो गया। अरे नहीं नहीं बेटा मेरे नहीं, पैर छूने हैं तो इस महान इंसान के छुओ। अरे इसके पैर क्या छूना, ये तो अपने लंगोटिया यार। लंगोटिया? इसने महान काम किया। अरे पैर छूना। एमएलए की दिन दहाड़े हत्या और कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है यार? दो बड़ा एक चाय। दोस्त आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी प्रेमिका ने मुझे ये लेटर दिया है। मुंबई आओगे तो कहाँ ठहरोगे? और ये लेटर नहीं, मेरी जान है। ठीक है अपना नंबर दो, पढ़ता हूँ। रुको, मेरे जाने जी 2433 5314। मैंने नंबर लिख लिया है, इस नंबर पर फोन करके तुमसे बात कर लूंगा, हम लोग बात करते रहेंगे। अच्छा ये बताओ तुम किसी लड़की से प्यार करते हो क्या? अच्छा प्रॉब्लम क्या है? पागल कहीं का।
मैं बॉडी सोडा के नाम से अपने एरिया में मशहूर हूँ। मेरा एक नाम और है हॉट ब्लड। तुम सिर्फ अपने दुश्मन का नाम बताओ, मैं उसे मच्छर की तरह मसल कर ऐसे फेंक दूंगा। मैंने वड़ा मसल दिया भाई, अभी तक चाय नहीं आई। अरे तू उसका नाम बोल। तुम लोगों का काम हो गया ना, अब मेरे सामने कोई रुकना नहीं चाहिए। आउट। बी केयरफुल, सिर्फ मेरे लिए। बोलो। एक्चुअली आई तुम इंग्लिश स्पीकिंग क्लास से आ रही हो क्या? नहीं नहीं। क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? ये आइडिया तुम्हें कब आया? आज सुबह ही 9:30 बजे। क्यों 9:30 बजे, ऐसा क्या हुआ था? मैं अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी। वो मेरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, लेकिन जिससे उसने शादी की वो दिखने में बेकार है। मैंने जब उससे वजह पूछी तो उसने जो कहा उससे मेरी सोच ही बदल गई, और मेरी फ्रेंड्स ने भी मुझसे यही करने के लिए कहा। लेकिन शुरू से ही हमारी कुछ जमी नहीं है। पहले मैंने ना कहा, फिर तुमने ना कहा, अब तुम कह रही हो कि तुम्हें। तो अब हाँ कह रही हो ना? हाँ, लेकिन हमारे टेस्ट कुछ मिलते नहीं है ना। तुम स्मोक करती हो? हाँ? दम लगाती हो? छी, एक शरीफ घर की लड़की सिगरेट कैसे पी सकती है? वैसे भी बॉक्सिंग में ये अलाउड नहीं है। देखा ना, मुझे सिर्फ ऐसी ही लड़की पसंद है जो स्मोक करती है। वैसे ऐसा नहीं है कि कभी किया नहीं है। गर्ल्स पार्टीज, न्यू ईयर में दम लगाया है मैंने। ओके, दारू? हाँ? शराब पीती हो? ड्रिंक्स? कभी कभी वोडका भी पी लेती हूँ। हाँ, फिर देखा, मुझे ड्रिंक करने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है तुम जानबूझ के मेरी फिरकी ले रहे हो। तुम भी मुझसे प्यार करते हो। कितनी दूर से आई हूँ पता है? अपनी दोस्त की शादी छोड़ के आई हूँ मैं। नाश्ता भी नहीं किया है। तुम कहो तो मैं तुम्हें अभी वरमाला पहना दूँ। मैं तो मजाक कर रहा था यार। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम हो गई? बताओ। एक और लड़का मुझे देखने आया था और मैंने उसे हाँ कह दिया। तुम पे गुस्सा थी ना? तुमने उसे हाँ कह दिया? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले हाँ कह के फिर ना कहने में कहाँ वक्त लगता है, तुम्हें तो पता ही है। तुम्हें हाँ कहा है और उसे हाँ कहा है, उसमें फर्क है। वो भी मिलिट्री वाला है। उसे अपने रिश्ते के बारे में बता के हम उसे मना सकते हैं। उसने मुझे आज 12 बजे कॉफी शॉप में बुलाया है। ओके, मैं भी साथ चलता हूँ, मैं बात कर लूंगा। तुम भी चलोगे? चलो। यही बुलाया है। रुको, तुम यही रुको। मिलिट्री वाला है ना, शार्प टाइम पे आता है। पहले मैं अंदर जाती हूँ, फिर तुम आना, ठीक है? निशा, मैं जाके उससे बात करता हूँ, तुम यहीं रहो। एक्सक्यूज मी। यस। आईसी 58462, कैप्टन जगदीश रिपोर्टिंग सर। बटालियन सल्यूट। सॉरी सच, सॉरी। ए जग्या, तू इधर क्या कर रहा है? कैसा है रे तू? आई एम फाइन सर। जब तूने मेरे को देख के सर बोल के सैल्यूट मारा तो मेरे को लगा मैं परेड ग्राउंड में हूँ। चल चल चल। नो सर, नो सर। जगह सुन, जिससे मैं शादी कर रहा हूँ ना, वो मुझे मिलने इधर ही आ रही है, इसलिए कान में ये लगाया। पहली बार लड़की से मिल रहा हूँ, मनुन भीति वाटते रहे। Can I get something for you, sir? No, 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 no. Nothing, nothing, nothing. मैं इधर बैठता हूँ। Psst, 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 psst.
नमस्कार, हेलो, कैसे काय? हेलो हेलो हाली का बस बस तुम्हारी आई ने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया, फोन पे बोला कि मैं तुमको अच्छा लगा। ओ सॉरी निशा, मीट मिस्टर जगदीश, वी आर इन द सेम बटालियन, पर हाँ माजा जूनियर है, लाइव मस्ती करता रहता है फिर मेरे से डांट खाता है, इसलिए मेरे से बहुत डरता है ये। कायरे जगदीश ही निशा। हेलो मैडम। मैडम निशा काय घेणार तू? नथिंग। म्हणजे डाइटिंग? ओह दैट्स ग्रेट, आणि तुला पण काही नको? नो सर। ओह वाओ, निशा मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, अगर मौका मिले तो यू मस्ट कम बरा का। और जगदीश तू भी आ जा घूमते घामते। यस सर। नाउ 12:30, तुमने कहा था 12 बजे आओगी। 12 o'clock, आई एम सो पंक्चुअल यार, मैं मिलिट्री मैन है ना म्हणून। सो शाम को मिलते, शैल आई मेक अ मूव? बाय बाय। ओके जगदीश। यस सर, आई सी 584। काय रे वेड्या सर, टाइम मिले तो आ जा। सर ओके बाय, चलिए तो सी यू। बच गया। ये था तुम्हारा बात करने का तरीका? अब वो बात नहीं है मैडम। हाँ? आप मेरे सीनियर ऑफिसर से शादी कर रही हैं। अभी तो वो गया, अब क्यों मैडम बुला रहे हो? हम दोनों तो लव करते हैं ना। हाँ तो ठीक है, अभी ब्रेकअप कर लेते हैं। हाँ? एक घंटे पहले तो लव किया और अब ब्रेकअप भी कर रहे हो? एक बात सुनिए मैडम, वो हर तरह से मुझसे बेहतर है। 100 मीटर भागने में मुझे 52 सेकंड्स लगते हैं और उन्हें सिर्फ 48 सेकंड्स। हाई जंप में मैं 6 feet 1 inch कूदता हूँ, वो 6 feet 4 inch से ऊपर। लॉन्ग जंप में मैं 7 meter क्लियर करता हूँ, वो करते हैं 7.4। वेट लिफ्टिंग में यहाँ क्या मैं मिलिट्री का सिलेक्शन कर रही हूँ? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं भी तो पहली बार में तुम्हें पसंद नहीं आया था, लेकिन अब पसंद हूँ, हो सकता है कि कल वो तुम्हें पसंद आ जाए। हाँ? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वैसे भी मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, पर तुम ही सोचो भला इस उम्र में अब उनसे कौन शादी करेगा। अरे तो क्या मैं बलि का बकरा बनूं? फोन बज रहा है। तुम्हारा बज रहा है? ओ सॉरी। बताना हॉस्पिटल से भागे हुए टेररिस्ट को तूने कहाँ देखा था? तुझे सस्पेंस रखना पसंद नहीं है और मुझे सस्पेंस खोलना पसंद नहीं है, कल हम दोनों को बहुत बड़ा काम करना है। रुक 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 रुक। समंदर के पानी में नहा के। ओए रंगीला, आज बड़ा खुश लग रहा है। खुश लग रहा हूँ क्या? अबे ये टूटी फूटी लेके खुश कैसे रह सकता? चल पका मत यार, मैं जा रहा हूँ। क्या एक बार पूछेगा नहीं मेरे साथ ये क्या हादसा हुआ? हाँ जल्दी बक, मैं सुन रहा हूँ। ठीक से पूछना भी नहीं आता। ए, रुक, चल अच्छे से पूछता हूँ। आप पूछ। तेरी बॉडी पर कपड़ों से ज्यादा बैंडेज क्यों है? कितनों ने मिलके बिना साबुन के तेरी धुलाई की है? अरे तेरी बैंडेज का ठुल्लू, सीधे पूछना क्या हुआ? जल्दी बताना यार, मैं सुबह से हंसा नहीं हूँ। हंसने हंसाने के बढ़िया, मैं पिक्चर देखने गया था और उस पिक्चर में सुपरस्टार रजनीकांत सर थे, मैं उनकी तरह एक्शन वाला स्टंट करने गया तो गिर पड़ा। स्टॉप। एक बात बता, तू थिएटर में पिक्चर देखने गया था और तुझे चोट लग गई? तू पिक्चर देखने गया था स्टंट करने? अरे सुनो तो सही, मैं थिएटर में ही स्टंट कर रहा था लेकिन मैं रजनी सर की तरह एक्शन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उनके फैंस आए और मेरी चट्टी बना दी। फिर उन्होंने मुझसे कहा रजनी सर टेरेस से कूदे, तू भी कूद जा। फिर क्या हुआ? फिर उनके सारे फैंस मिलकर मुझे 52 माले की बिल्डिंग के टेरेस पर लेकर गए और धकेल दिया। मुंह बंद कर, यहाँ मेरी फटी हुई एयर तो बत्ती से फाड़ के हंस रहा है। वही गाड़ी है, छोकरी भी वही है, मेकअप की पेटी भी वही है, ये सेम सीन है, मैं सपना तो नहीं देख रहा। ये क्या गिराया? हाय, हेलो। आज फिर से लेफ्ट लेके जा रही है, ये खजूर है, ये आदत से मजबूर है। ओ चल देवता, आई एम कमिंग अगेन। फिर से डूबने जा रही है। ये सुरा,
ये खुशी से खुदकुशी कर रही है। जा मुझे विधवा होने से बचाना, जाना। बेचारे खुदकुशी की मारी क्या 2 रुपए गिर गए क्या? साले बहुत लंबा है। मैं तुझे लाइफगार्ड दिखता हूँ जो उसे बचाता हूँ। दोस्त को मार रहे हैं, गलत है, ये पाप लगे तुझे। पिछली बार उसकी जान बचाई थी तो उसने मेरी इज्जत का कचरा किया था, फिर से कचरा करवाऊं? नहीं बचाएगा तो फिर से मैं बचाऊंगा। जा जा तू बचा, तू जा के बचा उसे। ठीक है मैं उसे बचाने जाऊंगा। तेरे को बचाना है, बचा। उसको बचाने के लिए आना पड़ेगा। बचाने वाला जाना, उसको बचाने जाना। वो बेचारी मर जाएगी यार, वो कितनी गोरी है, समंदर के पानी में नहाएगी, वो काली हो जाएगी मेरी तरह। जाना, क्या डंडा डंडा खेल रहा है, जाना बचा, छुए बगैर बचा यार। ये फिर से क्यों मरने जा रही है? अरे सुनो, हेलो हेलो, दुनिया में नहीं रहना मुझे। बात सुनो, क्या हुआ तुम्हारा माइकल कहीं फिर से गायब हो गया? नहीं। तो फिर क्या हुआ? मैं एक लड़की से प्यार करती हूँ। हाँ। पर शायद वो मुझसे प्यार नहीं करता, इसलिए। तो तुमने उसके सामने जाके प्यार का इजहार किया? वो तो भूली गई, अब तक नहीं किया। अरे कैसी पागल लड़की हो, जाओ जाके पहले उसे बताओ, वो मना कर दे तो जाके मर जाना। ठीक है अभी बता देती हूँ। सुरा, I love you। हाँ। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? या तुम किसी और से प्यार करते हो? मैडम कहीं तुम मेरी फिरकी लेने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? मुझसे सिर्फ 2 बार मिली हो और कहती मुझसे प्यार हो गया। कैसे समझाऊं? मैं अपने हस्बैंड में जो गुण देखना चाहती हूँ वो सारे गुण हैं तुम में। तुम्हें देख के मुझे उस छोटी बच्ची की याद आ गई जो आइसक्रीम की जिद करती है। तुम जानती नहीं हो कि मैं समझ गई। प्रॉब्लम ये है कि मैं एक अमीर लड़की हूँ और तुम एक मच्छी वाले। नहीं नहीं। फिर क्या बात है? ओ, मेरे पापा की टेंशन है कि वो मानेंगे नहीं। उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है। पापा इज अ डमी पीस। मेरी मर्जी के खिलाफ वो कभी जाएंगे ही नहीं। देखो मैडम, असली प्रॉब्लम तुम्हें बताऊंगा ना तब भी तुम समझ नहीं पाओगे, इसलिए जाओ जाओ घर जाओ। लड़की को लेकर लड़का किधर गया? समंदर पार करके झिंगा लुलू तो नहीं गया? और अकेला क्यों? रंगीला है, हीरोइन नहीं इधर है तो हीरो किधर है? मुझे तुमसे एक डील करनी है। कैसी डील? मेरे दिल में जो भी था वो मैंने तुम्हारे दोस्त से कह दिया। तो मैं क्या आचार डालूं? डाल लेना, पहले एक पता नोट करो। है पता मतलब? नंबर 15 9th क्रॉस स्ट्रीट, राजा रानी चौक। लेकिन ये पता किसका है? मेरे घर का एड्रेस है। आज आधी रात से पहले अगर तुम्हारे दोस्त ने मुझे आई लव यू नहीं कहा है? तो फिर मैं वो करूँगी जिसमें मैं बचपन से ही चैंपियन हूँ। खो खो या कबड्डी में? पानी में डूबकर जान देने की कोशिश से बोर हो गई हूँ मैं। इस बार मैं घर में सुसाइड करूँगी। सुसाइड करो, रॉन्ग साइड करो, लेकिन यहाँ समंदर में आके जो करके मरने का नाटक करती हो उसकी वजह तो बता। वजह है। कौन सी वजह है? अपने मरने से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ूंगी जिसमें लिखूंगी कि मेरे मरने की असली वजह तुम हो। ये एक दुंगा लगा के सब कुछ सुरा की वजह से हुआ है। चिट्ठी में सुरा का नाम लिखो, मुझे क्यों घसीट रही हो? उसको क्यों फंसाओ? इस मैटर के लिए तुमसे अच्छा बकरा और क्या मिलेगा? मुझे फंसाओगी? कान खोलकर सुन लो, मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो मैं समंदर में जाके डूब जाऊंगा, सच्ची बोल रहा हूँ। कितना बोलते हो। हम दोनों को मिलवाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर है, नहीं तो मैं ऊपर जाऊंगी और तुम जेल में। चिट्ठी वो भी मेरे नाम की? किसी और का कसूर हो तो भी पुलिस मुझे धोबी पछाड़ मारती है। ये तो मरने वाली चिट्ठी लिख रही है। कहाँ फंस गया रंगीला? ये मुसीबत तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। क्या करूँ, क्या ना करूँ, कैसे करूँ? ए सुरा, किधर है सुरा? अरे अरे अरे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, कैच कैच, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। समझा दे इसे नहीं तो नोट डालूंगी मैं। ए सुनो, तुम इन सब की इंसल्ट मत करो, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। ये क्या, ये 1/4 हाफ टिकट, ये सब तुम्हारी सहेली है क्या? सब बाहर जाओ। मैं क्यों बाहर जाऊँ? इस रूम पर मेरा भी इक्वल राइट है।
आ गया आइडिया। अरे बगल की गली में सचिन तेंदुलकर आया हुआ है, उसका ऑटोग्राफ लेना है मगर मेरा टी शर्ट नहीं मिल रहा है। पता नहीं किधर रख दिया टी शर्ट। और ये डॉल भी ना। भाई भाई सच में सचिन आया है? हाँ बहना सचिन आया है, साथ में ऐश्वर्या राय आई है, बगल की गली में एड फिल्म की शूटिंग चल रही है, दोनों सेलिब्रिटी। हाँ। ये तो सारे भूत की तरह गायब हो गए। ता 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 ता। कहाँ है वो? कहाँ है वो? इंडियन इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी, जापान इकोनॉमी इज जापान इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज द बेस्ट इकोनॉमी, इंडियन एकेडमी इज द बेस्ट एकेडमी, इंडियन एकेडमी इज द पुलिस एकेडमी, पार्ट वन पार्ट टू। गली में गुंडों की तरह झगड़ा करते हो और फिर यहाँ आकर बच्चों की तरह पढ़ाई करते हो, रास्कल। आ जाओ मम्मी, पुलिस मम्मी। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, ये हमारा घर है। सुबह 6 बजे से उठकर ये अपने कमरे में सिंसियरली पढ़ रहा है और आप खामखा उस पे शक कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी इज ऑलवेज आवर इकोनॉमी। इस दुनिया में पेटीकोट पहनकर पढ़ाई करने वाला इंसान बस तुम्हारा बेटा है। लुंगी समझकर घाघरा पहन लिया। अब पढ़ते समय तो आप जानते ही पापा कुछ दिखाई नहीं देता मुझे। ये बात है? नहीं पापा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये अभी अभी ऊपर से कूद के मेरे कमरे में आया है। पहले ये बता, रेल इंजन के कोयले जैसा हाल क्यों बना रखा है? ये सब कुछ इसके वजह से हुआ है माँ। इसी ने हम लोग को बोला कि ऐश्वर्या राय और सचिन तेंदुलकर की शूटिंग चल रही है, इसलिए हम लोग छूटने गए थे। मैंने ऐसा नहीं कहा था, बगल वाली गली में सच्चिदानंद स्वामी आए हैं और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेने से ऐश्वर्य बढ़ेगा ये कहा था। लेकिन तुम तो उन्हें सचिन तेंदुलकर समझकर ऑटोग्राफ लेने चले गई, साथ में ऐश्वर्या को भी देखने। ये क्या बात हुई, सुन के ऐसा लग रहा है जैसे टुन टुन कॉमेडी कर रही हो। आप ही समझाओ पापा। तू बहुत काम करता है ना, तो ये तो बता कि तू कब अपने एरियर पेपर्स को पास करेगा। ये नहीं होगा पापा, आप पढ़ो पढ़ो बोलते रहते और ये कबड्डी कबड्डी करते रहता है। पापा कबड्डी उसे खेलो तो मुझे जमाना गुजर गया। अरे भरोसा नहीं हो तो माँ से पूछ लो। हाँ सच में? हाँ। ऐसा क्या पार्टनर, हम छपरा वाले दोस्त लोमड़ी बोल रहे हैं। तुम सेफली घर पहुंच गए ना? तुम्हारा बाप बगल में तो नहीं है ना? तू हमारी बात का हाँ और ना में जवाब देना बस। कहा पार्टनर, अपन बाप के साथ रह रहे तुम्हारी आवाज भी डायनासोर जैसी हो गई है। अरे आज हम सबको बराबर कर दिया होते, लेकिन वो तुम्हारा बाप साला बुड्ढा बीच में आ गया ना, सब खुद को बल कर दिया। अपने आप को रजनीकांत समझ रहा है। अरे बुरा नहीं मानता मुझे, लेकिन तुम्हारा बाप जो है ना खुद को बहुत बड़ा पुलिस वाला समझता है। 24 घंटे हमारे पर नजर रख रहा है। हमारी तो एक बात समझ में नहीं आती, तुम बुड्ढे को जेल कैसे रहे हो यार? सीधा उसको डाइवर्स दे दो। विजय आपको एक बात का बहुत बड़ा डाउट है यार, आज तू हमारे इस सवाल का जवाब बराबर दे दे यार। ये तेरा बाप जो है ये साला पी के तो नहीं घूमता है, दिन भर हमारा पीछा करता है, इसको और कोई काम नहीं है पुलिस में? वो सब छोड़, मेन मैटर तो हम भूल गए। अरे वो अपना जो काला कदम है ना वो बीमारी में पड़ा हुआ है, और वो गुमटी झोपड़पट्टी में अपना उल्लू है ना उल्लू, उसकी माँ शराब के केस में अंदर चली गई है रे, इसलिए वो दोनों तो खेल नहीं पाएंगे। वैसे हम है ना, चिंता मत करना, हम बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अच्छा सुन ना विजय, अब कल का मैच जितना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, मार खाया है ना तो इसलिए वो। पापा ये कोई रॉन्ग नंबर था पापा? रॉन्ग नंबर नहीं है, रॉन्ग दोस्त है। अब मेरा बेटा क्रिकेट में तेंदुलकर हो, चेस में आनंद हो तो मैं लोगों को बता सकता था, लेकिन ये तो लफंगों के साथ मिलकर कबड्डी खेलता है। इसके दोस्तों का नाम कैसा? कला कुमार, गुमिडी झोपड़पट्टी, और ये जो बोल रहा था इसका नाम वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता ना, क्या नाम है उसका? कहा दोस्त बुड्ढा फोन कट कर दिया क्या? खास बात तो पहले सुन ले, कल 11 बजे अम्बेडकर ग्राउंड में मैच है, तुझे आना है, तभी हम लोग मैच जीतेंगे। कबड्डी 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 कबड्डी। और सुन अपने बाप को थोड़ा कंट्रोल। पुट डाउन द फोन यू रास्कल। कह रहे भोजपुरी फिल्म के विलेन की तरह बोल रहा है। मैं उसका बाप बोल रहा हूँ। अरे ये डायलॉग भी सुना हुआ है, अमिताभ बच्चन ने बोला है। अगर तू मेरे हाथ में आया ना तो मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा। क्या हुआ लोग? पता नहीं क्यों सर, कल सुबह 11 बजे अम्बेडकर ग्राउंड में आपका कबड्डी का मैच है। ए, ये तेरे लिए लास्ट वार्निंग है, चुपचाप से उन पेपर्स को तैयार करके उनमें पास हो जा और एक अच्छी सी नौकरी पाने की कोशिश कर। ए, ये कल सुबह यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, समझी? नहीं जाएगा। अगर गया तो इधर तो इंसान से ज्यादा कुत्ते हैं, घर है या चिड़ियाघर? चिड़ियाघर है, कुछ भी बकवास करता है, सिक्योरिटी है। चलो बस। चलना, अब यहाँ तक आ गए हैं तो अंदर भी जाते हैं, मरती हुई लड़की को बचाते हैं ना यार। उससे पहले ये लोग हमें मार डालेंगे। चल मैं तुझे अंदर ले जाने की सेटिंग करता हूँ, भरोसा रख यार।
भरोसा और तुझ पर? हाँ, भरोसा नहीं तो समोसा रख, कुछ तो रख यार। चल चल मेरे साथ। तू मुझे साथ लेकर जा रहा है या खुद भाग रहा है? भागता तो मिलखा है, मैं क्यों भागूंगा। चल चल चल, मैं अंदर आगे चलना। आह, बांस की सीढ़ी, बांस से किस्मत की सारी बांस दूर हो जाती है, अपना काम हो जाएगा। जा चढ़ जा। नहीं लाइक बात। हाँ बोलना, थूकना है क्या? मुझे तुझ पे बहुत फख्र है यार। लेकिन क्यों है? एक लड़की की जान बचाने के लिए तू अपनी जान पर खेल रहा है। आज पहली बार तू अपने दोस्त को समझ पाया। जा जा चढ़ जा, जा उसकी जान बचाते। जा चढ़ना। क्या हुआ, क्यों उतर गया? मुझे तुझ पर बहुत गर्व है यार। एक लड़की की जान बचाने के लिए। थैंक यू, जाना चढ़ना, उसकी जान बचा यार, टाइम कम है। सही कह रहा है। हाँ जा जा चढ़ जा। अब क्या हुआ यार, मुझे तुझ पर फक्र है। फक्र मत कर, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। तो फक्र मत कर, ऊपर जा। यार मुझे, हाँ मुझे पता है मुझ पे फक्र हो रहा है। जा 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 जा। अच्छा दिखती कैसी है? सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल आपकी तरह। और उसकी आंखें? एक गहरी झील की तरह, बिल्कुल आप जैसी। हाय। उसका? अच्छा, तुमने तो धमकी दी थी कि अगर आधी रात से पहले मैं यहाँ नहीं आया तो तुम खुदकुशी कर लोगी, और तुम तो यहाँ बैठ कर टीवी देख रही हो। और बालों का रंग? ऐसा नहीं है, खुदकुशी करने की सारी तैयारी कर ली है मैंने। कुछ कुछ देखो तो, मेकअप भी कर लिया है। तुम्हारे पास यहाँ पर रस्सी, चाकू, जहर और ये गोलियां रखी हुई है, लेकिन इस कप में क्या रखा हुआ है? शक्कर। वो क्या है ना, बचपन से ही मुझे दवाई खाने से पहले थोड़ी सी शक्कर खाने की आदत है। पहले शक्कर खा लूं तो दवाई कड़वी नहीं लगती, समझे? इतना ही नहीं, खुदकुशी करने के लिए कौन सा तरीका अच्छा है ये जानने के लिए मैंने नई पुरानी सारी फिल्में देख ली। तो फिर इतनी देर क्यों रुकी, कर लेती खुदकुशी? करने ही वाली थी कि उसी वक्त मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया। मैंने उसे मेरी प्रॉब्लम बताई। पता है वो क्या बोली? कि आजकल लड़के ना पहले जैसे नहीं रहे, प्यार में थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ती है। उसकी बात भी सही है, आजकल अच्छे लड़के कहाँ मिलते हैं। फिर तुम्हारे जैसे अच्छे लड़के के लिए अगर मुझे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े तो इट्स ओके। सो सुसाइड का आइडिया मैंने कैंसिल कर दिया, और प्यार की मालगाड़ी को आगे कैसे बढ़ाऊं ये सोच रही हूँ। और ये मेरा माइकल, मेरे बिना ये कैसे जिएगा? इसीलिए इसके लिए भी सेम प्लान। मेरे होते हुए माइकल कैसे मरेगा? बाय बाय, टेक केयर, टाटा टाटा। क्या हुआ? रंगीला मेरे साथ आया था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ गया होगा वो? ये कैसी आवाज थी? मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मिल गया। देखता हूँ क्या हुआ है, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तुम जाओ जाके मेरे संपर्क में खो जाओ। बाय। नहीं चढ़ता हूँ मैं, वो तो मत मारो बेचारे को, क्यों मार रहे हैं आप लोग? तू यहाँ क्या कर रहा है? ये अपना रंगीला है साहब। रंगीला हूँ। इतनी रात गए यहाँ पे सीढ़ी लगा के क्या कर रहा है ये? हम लोग छत पे पेंट कर रहे थे तो सीढ़ी यही छूट गई। सही कह रहा है। कब से पेंटिंग करने लग गया तू? तो मछली पकड़ता है ना? ये तो अपना साइड बिजनेस है साहब। ठीक है ठीक है, पहले सीढ़ी को साइड में हटा, निकलो यहाँ से। अगली बार देखा तो टांगे तोड़ूंगा, समझ गया? ठीक है साहब। तुम तो इसकी बेइज्जती कर रहे हो, पूरी दुनिया के लोग इसे अपने कुल देवता की तरह सम्मान देते हैं, ये गलत है, बेइज्जती मत करो। मुंह सिकोड़ रहा है मुंह।
तुम जैसे लोगों को तो मंदिर में पुजारी होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, हेलो। हेलो सर, इसे ना इस तरह घटक कर नहीं पीना चाहिए, इसे इस तरह धीरे से आपस में टकराकर धीरे से पीना चाहिए, समझ गया ना? ये क्या है, ये रजनीकांत की स्टाइल कहाँ से सीख ली? जला देगा क्या? क्यों बे छोटो? हाँ, ये सीढ़ी बहुत छोटी लग रही है, इसमें ब्लू फिल्म है क्या? हेलो, क्या बड़ा है भाई? वादा की सीढ़ी है। अरे इसमें तो अपने आमिषा पटेल यार, देख के आता हूँ। अरे भाई, ये खाने वाला बड़ा है यार। ये बात है क्या? हाँ। एक बात बता, इसमें होल है और इस वड़े में होल क्यों नहीं है? कंफ्यूजन है यार भाई। इसकी गाड़ी टॉप गियर में पहुंच गई है क्या? मैं थोड़ी देर में आता हूं। हाँ, तेरे को ज्यादा समझता है क्या? सुन भाई, ये है दाल बड़ा और ये मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा बनाने के लिए होल करना पड़ता है। ओहो, जरा तौलिया देना। तौलिया? तौलिया का एंड दे दे। तौलिया का एंड चाहिए, ये ले। एक बात बता, मेदू वड़ा में होल बनाते हैं और दाल वड़ा में नहीं बनाते, ये नियम किसने बनाया? अरे भाई, नियम मैंने नहीं बनाया, सलमान पपैया से पूछो। ये लो, चल बुला अभी के अभी सलमान पपैया को, राशन पानी देके फैसला कर डालते हैं। ए, बंद कर बे अपने 501 को। क्या बोला तूने, 501? अबे तेरे सेल फोन की कीमत बता रहा हूँ बेवकूफ। मैं पुलिस वाला हूँ। किस नाटक में? ए, मुझसे मजाक किया तो गोली मार दूंगा। सर 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 सर, सर गुस्सा मत होइए सर। मैं कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ, मैं तो शांति से बात कर रहा हूँ। चल हट। अरे दूसरा भी मेरे सिर पर आ गया, क्या करूं? अपने इस खिलौने को अंदर रख। शूट कर दूंगा। शूट करेगा? शूट करके उस दाल वड़े में एक होल बना ले और इधर लेकर आ। चल जा, जा। तूने मेरी मर्दान की गुलल कर रहा है, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करके देख। तूने मेरा ताज उतार लिया, आज मैं तेरा कत्ल करके रहूंगा। देखे देखे देखे, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसको बोल के वो कैरेक्टर से बाहर आए। नाटक वाला है। अरे पकड़ भाई, तूने मुझे छोड़ क्यों दिया? मैंने छोड़ा कहा है, मैं पकड़ता हूँ ना, ये ले। देख भाई, यहाँ फालतू लोगों की भीड़ जमा हो गई, हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। चल इसे लेकर तू क्या करेगा, ये टकले को दे दे। चल 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 चल, चल। मेरा तौलिया, मेरा तौलिया। क्यों भाई, फ्राइड राइस का ऑर्डर दिया था, बन गया क्या? अरे बना रहा हूँ ना, बनाने में टाइम नहीं लगता क्या? टाइम लगेगा, मुझे आज ही खाना है, कल नहीं खाना। शक्ल देखने से लगता है इसको ही फ्राई किया है। बाप रे, क्या हुआ, फ्राइड राइस चाहिए क्या? अरे तो इतना चिल्ला क्यों रहा है, क्या बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है? रुक, मैं अभी फ्राइड राइस लेकर आता हूँ। ए, मेरा दोस्त कब से फ्राइड राइस मांग रहा है और कितना टाइम लगा था अभी बनाने के लिए? बना तो रहा हूँ। अबे तू चला गया तो मैं नहीं बना सकता क्या? ए मास्टर, ये मच्छी की मुंडी भी है, पूछ भी है, इसका इसको ऑर्डर दे रहा है तो? तुझे भूख लगता हूँ क्या मैं? साले मच्छी को पैर होता है क्या? होता है, होता है। सच में पैर होता है मच्छी को? मेरे बाप होता है, छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। चल दिखा, मैं देखना चाहता हूँ। चल नहीं नहीं दिखा सकता। ए, अभी तो बोल रहा था होता है, चल दिखा। अरे भाई, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जाने दो ना। अगर तू बोल दिया है तो कहे तंग कर रहे हो? अरे अब जाने दो ना, बच्चे की जान लोगे का? अरे छोड़ दो उसको भाई। तू निकल, तू इधर आ। ये बता, मच्छी को पैर होता है या नहीं? होता है भाई। तू जा, तू आ। अरे आ जा रे पंडित। मच्छी को पैर होता है या नहीं? सच सच बता, मच्छी को पैर होता है या नहीं? मुझे घर जाना है। घर किधर है तेरा? मैलापुर में भाई। मैलापुर में तो मैं भी रहता हूँ, झूठ बोल रहा है क्या मुझसे? मुझसे निकल गया। तू वही रहता है और मेरे घर से थोड़ी सी दूरी पर रहता है। वही वही, मैं वही रहता हूँ। झूठ बोला था, मैलापुर में रहता है। ओहो, गलती हो गई, गलती होगी, गलती होगी, अब से कभी नहीं होगी, इस बार छोड़ दे मेरे भाई। अरे भाई, एक पैक और पिला इनको, मैं तो चला। ए बॉन्ड, अबे तू क्यों पसीना पसीना हो रहा है? तेरी हरकत देखकर यहाँ सारे लोग पसीने पसीने हो रहे हैं। ये ले तौलिया, ए पहुंच ले। वाओ, ब्यूटीफुल, ये अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। अरे बाप रे,
कोई बात नहीं, क्या माल है यार। अरे टकले तो देखो, अबे कहाँ देख रहा है बे, पागल हो गया क्या? सड़क छोड़कर दुकान पे साइकिल चला रहा है क्या बे? अबे टकले तुझसे बात कर रहा हूँ। अरे ब्रदर, यहाँ पूरे मार्केट में देखने लायक सिर्फ एक चीज है, वो देख। कह रहे मेरा विकेट उड़ा दिया और सॉरी लॉरी लेकर मैं क्या करूंगा? अबे तेरे को सॉरी बोला ना, फिर भी तूने मेरे ऊपर हाथ उठाया। अबे तेरी तो इतनी छोटी सी बात का तू बुरा मान गया भाई? छोड़, जाने दे ना, हम लोग भाई भाई हैं यार। छोड़, अरे मैं तुझसे माफी मांग लेता हूँ यार। छोड़, मान जा ना भाई। छोड़ दे, ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूँ, चल मान जा। ठीक है, बच गया। Be careful man, हट। मूड खारे नाटक कंपनी। अबे चुड़ैल आवे के उसकी मम्मी आवे, मुझे कोई देख नहीं पाएगा। मैडम के डिनर होने तक ऐसे ही घूमूंगा। कहाँ थे, कौन थे, क्या थे? मैडम आप कहाँ हैं? वाह क्या बात है, अभी मूड ठीक है, इसका मतलब मैडम मैडम ही है और कोई नहीं है। यह पट्टा ही ठीक है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। ए मैडम, आप हमेशा कमरे में बैठे रहती है, बाहर आइए ना। मैडम खाना खाइए। मुझे नहीं खाना। इस बार आवाज बाहर से आई, आप दिखाई क्यों नहीं दे रही है मैडम? कहाँ है आप? आप दिखाई नहीं दे रही है मैडम, कहाँ है? मैं यही पर हूँ। आप मेरे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रही है ना? मैंने पट्टा बांधा है तो आप लुका छुपी खेल रही है? मैडम मेरी बात सुनिए, देखो मैं आपको पकड़ लूंगा ना, उसके बाद आप पे डाइव, आप डाइव लेगी। मम्मी मरी क्यों? तेरी शकल देख के मुझे अफ्रीका की गोरिल्ला की याद आ गई। माताजी, जब मैं सीढ़ियों से गिरा तो सिर्फ मेरी गर्दन टूटी थी, लेकिन इन्होंने एम्बुलेंस में डेड बॉडी की तरह पटका और स्पीड ब्रेकर से लगा बॉडी को झटका। गर्दन के साथ बाकी जो हड्डी बची थी उसमें भी फ्रैक्चर हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर गया हूँ। एम्बुलेंस की मिमिक्री अच्छी करता है तू। करेक्ट। वो मम्मी मने नहीं खबर, मुझे लगा था ये टपक जाएगा और हम आजाद हो जाएंगे इससे। आंखों पे पट्टी बांध के छुपा छुपी खेलना जरूरी था, सीढ़ियों से गिर गया ना। मैं अपने आप नहीं गिरा, मेरा शर्ट किसी ने पकड़ा और उठा कर फेंक दिया। किसी ने फेंक दिया, लेकिन किसने? सर कमनियर, टूटक टूटक टूटिया। मियां बीवी दोनों पनौती है, दोनों मेरी हड्डी तोड़ते रहते हैं। सर आप जिसे ढूंढने कहीं और गए थे ना, वो इसी शहर में है, किसी पब्लिक पार्क में नहीं है, आप ही ने घर में आत्मा पार्क कर रखी है। इसी शहर से क्या मतलब, और बार बार आत्मा के बारे में क्या बोल? मॉम, सिर पर चोट लगने से ही पागल हो गया। करेक्ट है, पागल बोला। इसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देते ना सिवा। मॉम वो मैं केस से सीधा यहाँ आ गया, सत्या घर पर अकेली होगी, मैं जाकर उससे मिलता हूँ। एक काम करना, जैसे इसे डॉक्टर डिस्चार्ज करें, इसके बिल सेटल करके इसे घर लेकर आना। तू मेरे को इस पागल के पास अकेला छोड़ के जा रहा है। ओम नमः शिवाय मम्मी। ओम नमः शिवाय। चिंता मत कर, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। हो आहा, आपकी बात सुनकर लीवर को सुकून, किडनी को आराम मिल गया है। अभी हॉस्पिटल में है ना, तो तेरा दिमाग भी ठीक कर देती हूँ। माताजी माताजी माताजी, वो माइक्रो ओवन नहीं है, धड़कन नापने की मशीन है। अगर लाइन ऊपर नीचे होने के बजाय सीधी हो गई ना, तो मैं हमेशा के लिए लंबा हो जाऊंगा। मरी गया। आपका ये कड़क यूनिफॉर्म देखकर मुझे जलन होती है, आपने मुझे ये पहनने नहीं दिया, कम से कम इसे कड़क तो करने दीजिए बॉस। नकोरे। बॉस जाकर अपने सारे डिपार्टमेंट धो लो, उसके बाद तू अपना रिश्ता चल वट अपना काम कर। वही तो कर रहा हूँ। चल गुलाटी मार। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। रुमाली पैंट उछालने की बहुत प्रैक्टिस है, लेकिन ये इंटरनेशनल बॉन्ड मुझ जैसे देसी को इंडियन बॉन्ड बनने नहीं देगा। बहुत चमचागिरी करनी पड़ेगी। ये कौन सा है? कहीं कुछ जल तो नहीं रहा? तो
चिल्ला कौन रहा है? तूने मेरे घुटने के नीचे चलाया, तेरे घुटने के ऊपर चलाऊंगा। ये क्या कर रहे हो? बड़े हो गए पर बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। मैं क्या झगड़ा कर रहा हूँ? मैं तो आराम से सो रहा था, इन्होंने गरम गरम मेरे पिछवाड़े में लगा दिया। अब देखिए बैगल का नक्शा ही बदल गया है। तेरा पिछवाड़ा जलाया तो दिखा रहा है, उधर जला था तो वो भी दिखा था। दिखाने से दर्द कम होता है, इसलिए तो दिखा रहा हूँ। अगर तुम लोगों को नहीं देखना है तो अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और इनसे कहो कि अगली बार होटल से तंदूर मंगाए, मुझे न सेके। अच्छा तो तूने कुछ नहीं किया? हाँ। तूने कहाँ उंगली किया? तुझे बताऊँ? बताऊँ क्या किया मैंने? इसकी ऐसी हालत किसने क्या किसने किया बता। इसको पहन के मैं बॉडी को गार्ड कर सकता हूँ? अरे इस बैंड का अंडरवेयर बना लेता, कम से कम कुछ छुपाने के तो काम आता। हाँ बॉस सही कहा। बताओ किस इडियट ने रोटी पे तवा सेका, यानी तवे पे रोटी? तूने और किसने? नहीं नहीं मैं तो स्टोनिंग करके ड्रीमिंग कर रहा था। यही है कुत्ते का बच्चा। देखिए बॉस, अगर आप मुझे इंडियन जेम्स बॉन्ड नहीं बनाना चाहते तो ठीक है, लेकिन अगर आपने इन सब के सामने मुझे गाली दी ना तो मैं अपने आप को उंगली भर पानी में डुबा के मर जाऊंगा। सोते समय तुझे क्या क्या करने की बीमारियां बताओ तुझे? बहुत हो गया, इस बेकार से पैंट के लिए इतना हल्ला। पर मैं कॉलेज में कल क्या पहन के जाऊंगा? लो ये कोई बात हुई, और कोई पैंट नहीं है क्या? पर ये तो मेरी यूनिफॉर्म थी ना। स्कूल के छोटे से बच्चे हो क्या जो यूनिफॉर्म पहनोगे? आप सही कह रही हैं, कॉलेज में भी यूनिफॉर्म पहन के जाओगे क्या? अब तो ढंग के कपड़े पहनो ताकि ये रगड़ा रगड़ी की आदत चली जाए। बी अलर्ट ऑफिसर। तूने फिर अपना शटर, अब लाइट ऑफ करके सो जाओ। चलो यूनिफॉर्म की छुट्टी। अब क्या ढूंढ रहा है? यहाँ पर एक और स्त्री होनी चाहिए। एक और स्त्री होनी चाहिए? हाँ हाँ, इसे देखिए, इसमें दो बड़े छेद हैं, लेकिन सिर्फ एक स्त्री, यानी ये कांड दो स्त्रियों से किया गया, दूसरी स्त्री कहीं कहीं होगी। तेरे पिछवाड़े में दो दो बनाऊं? ये कौन सी भाषा है? अरे रे रे, अरे रे रे, एक मिनट रुक जाइए बॉस। देखिए आपने अभी तक मेरा बैकग्राउंड खराब किया है, आगे क्या क्या खराब करना है उसका परमिशन तो ले लीजिए। जूनियर ऑफिसर तो मैं हूँ, और कितना नीचे जाएंगे सर? अरे बॉस ने मुझे अंदर सोने नहीं दिया, तू मुझे यहाँ तो चैन से सोने दे। मीरा दीदी, मधु दीदी, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ेगी क्या? ऐसा क्या हो गया? इधर आओ जल्दी। क्या हो गया ऐसे? दीदार कर लो। नींद टेलर किसे सीन हुआ है, इसीलिए लगता है थोड़ा ढीला हो गया। पूरी रात टेलर को सोने नहीं दिया और कहता है कि ड्रेस ढीला है, ढीली तो उसकी हालत है। ये यूनिफॉर्म कहाँ से मिली, कहाँ से उठा के लाए इसे? रात भर टेलर को लेफ्ट राइट करा के ये ड्रेस सिलवाया है। कितने डायलॉग बोलेगा, अभी तक तैयार नहीं हुए? मधु फास्ट फास्ट हरी अप, अंदर जाके तैयार हो जाओ। अरे काय का हरी अप, तुम तो जंगल से हल्की होके आ गई, अब तो मुझे जंगल जाके हल्का होना बाकी है ना। ओहो कितना डायलॉग मारोगे, सुना नहीं? हरी अप। अरे काय का हरी अप। ओहो जो करना है जल्दी करो। लगी नहीं है तो कैसे करूं, जब तक नहीं लगेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। अब तुम जल्दी जाओ, बाल्टी लेके आओ जल्दी, मुझे लगने दो। कितना डिस्टर्बेंस है यहाँ पे, हर कोई सामने आ जाता है। अरे तूने इस महान स्वामी को पहाड़ स्वामी बना दिया है, गधे कहीं के। चलो बाद में आते हैं। ज्योति हाँ क्या हुआ? तू जाके मेन स्विच ऑफ कर दे। वो किस लिए? सांजा मांजा आंजा कांजा चाचा चाचा। देख लिया क्या? जो बोला है वो करना। हे भगवान। हे ज्योति, जब मैं सीटी मारूंगी ना तब तू ऑन कर देना, समझे क्या? बाबा जा। यस। क्यों भाई, स्टीम बात ले रहे थे क्या? तुम करेक्ट टाइम पे दरवाजा खोला है। आ, 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 आ,
भाई ये सब क्या देख रहे हो? मैं साबुन लाना भूल गया, जाओ साबुन लेकर आओ। साबुन मांग रहा है मुझसे, साबुन मांग रहा है। आज मैं देता हूँ तेरे को एक जोरदार झटका। अब देख तुझे कैसे मजा चखाती हूँ। मुझे क्या? मैं ना सर रुको, इतनी जल्दी क्या? मैं दरवाजा तो बंद कर लूं। इतनी जल्दी है क्या? ठीक है मैं आता हूँ। तुम तो वहां पर गाली में गाली दी जा रही थी और यहाँ पर इस तरह से प्यार से बुला रही हो। कितनी घाई लगी है इस लड़की को। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस गर्ल्स। अरे बाबू, अरे बाबू, ये तो कोई गुड्डी की आवाज लग रही है। देखो यहाँ खड़े होकर चुम्मा चाटी कर रहा है बेशरम कहीं का। अरे भाई थोड़ा सा उठोगे? कहाँ भाई? नीचे आओ और बेड को देखो। भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? खेल खेल रहा हूँ। उठ। अच्छा भैया ठीक। अरे बाप रे, आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे एक आदमी के साथ इतना कैसे? अरे अरे ये सब होना भी बाकी था। एक बात पूछूं मोटा भाई, रस्सी की बजाय तार से क्यों बांधा है मुझे? अगर पावर चालू हो गया ना तो बॉडी में भूकंप के झटके लगेंगे। ऐसे थोड़ी होता है, मैं सस्ता मोबाइल थोड़ी हूं जो आप मुझे चार्ज कर रहे हैं। घर जाने दीजिए ना। क्या तुम वही आदमी हो जो मुर्गा बनकर शहर में आतंक फैलाता है? जवाब क्यों नहीं देते? अभी तो बोल रहे थे चुप रहो, अभी बोलने के लिए बोल रहे हैं। बोलूं या चुप रहूं? आप बोल सकते हो। सांभलो सर, किसी उल्लू के पट्टे ने मुझे मुर्गा बनने का वाहियात आइडिया दिया। मुर्गे का ड्रेस सिलवाने के लिए अबुल हसन दर्जी के पास गया था और वहां पे भी उधारी चालू है। अगर सही जवाब नहीं दिया तो ऊपर खाता खुलवा दूंगा। सर आपको जरूर कोई गलत फैमिली हो रही है। चाहो तो आप मुझे लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह से चेक कर लो, मेरी पूरी बॉडी चेक कर लो, मुर्गे का एक लक्षण भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं पैदाइशी गधेड़ा हूँ सर। लगता है तू ऐसे सच नहीं उगलेगा। सर इस मासूम को परेशान मत करो, कांडा स्वामी आपको छोड़ेगा नहीं। ले जाओ इसे। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? उसके हाथ में इतना लंबा क्या है? चुप कर गंदा आदमी। जल्दी से पानी चालू कर। अबे तूने ही अपने तालाब चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी ना? अरे उसे ढूंढते ढूंढते तो मैं पागल हो गया, मेरा डिमोशन हो गया, इंस्पेक्टर से सीधे हवलदार हो गया, यहाँ ट्रांसफर हो गया। अब क्या किसी ने तेरा खेत चुरा लिया या पूरा का पूरा गांव चुरा लिया? मैंने मजाक किया था भाई, अभी कॉमेडी दिखाता हूँ, तालाब के साथ तुझे भी गायब कर देता हूँ। कहाँ चला गया? कहाँ गायब हो गया? कहाँ गया? पता नहीं। हाँ?
सर ये तो आराम से बैठ कर नहा रहा है। पब्लिक बाथरूम समझा। आखिरी बार 2012 में नहाया था। इतने गंदे हो गए। पानी का फोर्स डबल कर दो। सर ये तो सजा का मजा ले रहा है। पानी पानी। अरे यार बंद क्यों किया, पानी डालो। अभी तो पानी में मजा आना शुरू हुआ था। यहाँ रेन डांस करवाने बैठे हैं। मैं पानी में सुसु करने वाला था। अब पानी रोक दिया तो पता चल जाएगा ना। बाथरूम के साथ टॉयलेट भी बना दिया है सर। अरे यार छी, ये कंट्रोल नहीं होता। पानी के बजाय इस गधे पर डंडे की बरसात करो। अब यहाँ कल शाम से थोड़ा दुख रहा है। इधर नाश्ते में ढोकला कम खाया क्या, जोर से मारने। बस 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 बदन पे पानी डाल, पानी डाल। कीप गोइंग बेबी। जाकुजी जाकुजी यम यम। ये आ क्या कर रहा है? ये डंडा हटा। ए यहाँ सुसु क्यों किया? 6 साल पहले की बात है। पेट के अंदर पथरी का पहाड़ बन गया था। सारे डॉक्टर हकीमों ने कहा कि ये पहाड़ हम नहीं तोड़ पाएंगे। बंगाली चूरन भी खाया पर आज 2 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये डंडा इसने यहाँ दबाया और पथरी पिघल के सुसु में निकल गई। सर इसने पुलिस स्टेशन को सरकारी डिस्पेंसरी बना दिया है। इससे पहले कि मेरा बीपी बढ़े, hey! 1 सेकंड में दफा हो जा। पहले समझाया तो समझे नहीं, बोला था गलत फैमिली हो रही है। 1 सेकंड फिर से बीमार पड़ा तो इसी डिस्पेंसरी में आऊंगा। और हाँ, पुलिस स्टेशन का हॉस्पिटल बनवा दो, ऊपर की कमाई भी हो जाएगी। ए, जा रहा है कि लात मार के निकालो। ठीक है जाता हूं, कपड़े पहन लेता हूँ। जल्दी जल्दी गीले कपड़े घर जाके सुखा दूंगा। सॉरी जले हुए आलू। सॉरी।